All right, hi everyone, good morning. Sorry, I was running a bit late today. Good morning, Harsh. Good morning, Krishna. Hi, Rohit. Hi, Sarvesh. Good morning, Shubhya. Yeah, hi, Aman. Great. Good morning, everyone. All right, so before we begin again today's discussion, as I did in the last week also, Saturday, 7 p.m. to 9 p.m. is a regular lecture. Okay? It is not a doubt lecture. It's a compulsory lecture only. So please make sure that you are available during that time. We will be continuing with chemical bonding. So I will share this over the WhatsApp group as well, but I want everyone else to be aware about it upfront. हाँ, chemical bonding actually बड़ा topic है, and because हफ्ते में एक lecture ही करना उस पर is not adequate, that is why I am taking up more of this doubt timing and converting into regular lecture. आपके doubts इसमें वैसे chemical bonding में बहुत जल्दी discuss हो जाते हैं, क्योंकि इसमें खास कुछ problem solving नहीं होती है. Like all you need to do is ensure that you remember the notes well, and then you are able to connect the dots. हाँ, साथ से ही रखेंगे. उसके पहले एक्चुअली मेरा एक क्लास है 6:45 तक, सो आई विल नॉट बी एबल टू कीप इट अर्लियर. सो वी विल कीप द लेक्चर फ्रॉम 7 ओनली, 7 पीएम टू 9 पीएम, एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग विद बॉन्डिंग. नाउ होपफुली मैंने आप लोगों को जो लास्ट क्लास में बताया था, समझाया था, आपको समझ में आया, एंड उसके ऊपर आपने होमवर्क ट्राई करा होगा. एम आई करेक्ट? Did you guys do the questions? Like, बहुत दिनों बाद आपको homework मिला है. ठीक है. Now, in terms of how you were able to do, were you able to do roughly 80% of the questions? 20% में doubt था? Or is it the other way around? Was anyone struggling too much with the questions? हाँ, ठीक है. तो अगर 80-20 टाइप्स अगर आपसे हो रहा है, 80% क्वेश्चन हो गए, 20% नहीं हुए, तो इट्स ओके. आई विल देन डी प्रायोरिटाइज द डाउट्स. मैं अभी पहले आपको थोड़ा पढ़ाऊंगा, एंड टुवर्ड्स द एंड टाइम बचेगा तो हम लोग डाउट्स डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट रियली समथिंग जिसमें बहुत ज्यादा इंटेंस डिस्कशन की जरूरत है. थोड़े बहुत पॉइंट्स होंगे जो आपको मैं समझा दूंगा. ऑल राइट, so now let's begin or continue our discussion over valence bond theory that we were discussing yesterday. Now, not yesterday, in fact in the last class. So if you remember, humne usme orbitals ke overlap ke bare mein baat kiya tha, right? एंड हम लोगों ने किस तरीके से बॉन्डिंग ओवरलैप्स का डिस्कशन किया था. सो इनफैक्ट लेट मी काइंड ऑफ डू अ क्विक रिकैप ऑफ दैट बिफोर आई टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. सो एक छोटा सा क्विक रिकैप यहाँ पर नोटिस करना. अज्यूमिंग internuclear axis as z axis, ठीक है, internuclear axis को z axis मान रहा हूँ. ठीक है, assumption ही है मेरा, but this is what I generally go for, internuclear axis. What do you mean by internuclear axis? Line connecting the nucleus of the two combining atoms, right? So यहाँ पर like I will ask you overlaps and you will have to comment whether they are
गोइंग टू यील्ड बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग, राइट? एंड बॉन्डिंग में भी विच टाइप, ठीक है, सिग्मा या फिर पाई। सो इफ आई टॉक अबाउट एस एंड एस का ओवरलैप, व्हाट विल इट बी? राइट, इट विल बी बॉन्डिंग एंड दैट टू सिग्मा, करेक्ट। इफ आई टॉक अबाउट एस एंड पी एक्स, ये कैसा रहेगा? नॉन बॉन्डिंग। एस प्लस पी जेड, करेक्ट, दिस विल बी बॉन्डिंग एंड दिस विल बी सिग्मा। पी एक्स प्लस पी एक्स, करेक्ट, बॉन्डिंग एंड उसमें भी पाई ओवरलैप। भाई बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में बोला जेड एक्सिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। पी वाई प्लस पी वाई, बॉन्डिंग एंड दैट टू अ पाई ओवरलैप। पी वाई प्लस पी जेड, राइट, नॉन बॉन्डिंग, राइट। ठीक है, थोड़ी सी जगह और बनानी पड़ेगी। इतना मैंने आज का टारगेट लिया है, आई डोंट नो इतना कंप्लीट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेट्स सी। एक मिनट दो। मैं थोड़ा सा डी ऑर्बिटल्स पे भी जाना चाह रहा हूँ, मैं उसके लिए जगह बना रहा हूँ, ठीक है। एंड उसमें आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट ऑल परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, आई विल बी जस्ट टॉकिंग टॉकिंग अबाउट द बॉन्डिंग ओवरलैप्स। गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, सो यहां पर अगर मैं पी जेड प्लस पी जेड बोल दूंगा तो ये कैसा रहेगा? अगेन बॉन्डिंग ओवरलैप एंड दैट टू अ सिग्मा वन, ठीक है। सो इनका एक फेयर इनफ आइडिया विद डायग्राम्स आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब एज एन एडिशनल पीस ऑफ नॉलेज, ठीक है, ओवरलैप बिटवीन डी ऑर्बिटल्स है, जस्ट बिटवीन डी बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पर आप नोटिस करना, इसमें जस्ट डी के बारे में पहले मैं बात कर लेता हूं, एंड आर फोकस हेयर विल बी अगेन ऑन द बॉन्डिंग ओवरलैप्स, ठीक है। द अजम्पशन दैट गोज इज दैट जेड एक्सिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। सो यहां पर
आप नोटिस करना, सबसे पहले अगर जेड एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है तो सिग्मा ओवरलैप विल बी बिटवीन डी जेड स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, इन दोनों का ओवरलैप होगा वो सिग्मा ओवरलैप कहलाएगा, राइट। ये एक डी जेड स्क्वायर रहेगा और एक दूसरा डी जेड स्क्वायर रहेगा, लाइक दिस इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस विच इज द जेड एक्सिस, तो इन दोनों का ओवरलैप विल बी अ सिग्मा वन। देन पाई ओवरलैप, ठीक है, पाई ओवरलैप बिटवीन डी ऑर्बिटल्स, सो यहां पर आप नोटिस करोगे, ठीक है, अगेन जेड एक्सिस अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है तो यहां पर आप नोटिस करना ये एक डी ऑर्बिटल रहेगा और ये एक डी ऑर्बिटल रहेगा, राइट, एंड ये आपस में आके राइट ऐसे लैटरल ओवरलैप कर रहे होंगे, राइट। तो ये कौन से ऑर्बिटल्स रहेंगे, एनी गेस वर्क? नहीं, किसी ने अभी तक सही आंसर दिया ही नहीं है। डू यू रिमेंबर डी के एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स ऑर्बिटल्स? ठीक है, मतलब अगर ये एक्सिस मान लो एक्स एक्सिस है, ये जेड है और ये वाई है, राइट, तो ये कौन से ऑर्बिटल्स हो गए? दे आर इन द प्लेन ऑफ द स्क्रीन, तो ये कौन से ऑर्बिटल्स हो गए? डी एक्स जेड हुए ना, राइट, समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर ये डी एक्स जेड, सॉरी डी एक्स जेड एंड डी एक्स जेड ये आपस में लैटरल ओवरलैप कर रहे हैं, अच्छा ये भी पॉसिबिलिटी है, ये एक्स एक्सिस है और ये नोटिस करना लाइक ये लेटे हुए हैं, ठीक है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट यू गाइस शुड बी एबल टू मेक आउट। ठीक है, लाइक दीज आर लाइंग डाउन अगेन, तो ये कौन से ऑर्बिटल हो गए, लाइक विच ऑर्बिटल इज दिस? करेक्ट, तो ये डी वाई जेड एंड दूसरा डी वाई जेड आपस में दे वुड ऑल्सो बी डूइंग अ लैटरल ओवरलैप, ठीक है, समथिंग लाइक डी एक्स जेड और डी वाई जेड का क्या हो जाएगा? मान लो यहां पर अगर एक ये मैं डी एक्स जेड बना देता और ये डी वाई जेड कर देता तो इनका ओवरलैप क्या हो जाता, नॉन बॉन्डिंग में चला जाता, ठीक है, अरे माय बैड यार, सॉरी, डी एक्स जेड एंड डी एक्स जेड, माय बैड, यहाँ पे डी वाई जेड भी है वो भी पैरेलल ओवरलैप कर रहा है, अगर मैं मान लो ये डी एक्स जेड और डी वाई जेड के ओवरलैप के बारे में बात करता तो वो कैसा कहलाता? इट विल बी नॉन बॉन्डिंग, ठीक है, बट मैं नॉन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटीज नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, नॉन बॉन्डिंग की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, मैं सिर्फ बॉन्डिंग की ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, डी जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर देखो ना आप, अलोंग द एक्सिस हो गया ना, तो वो तो सिग्मा ओवरलैप हो गया, ठीक है, डी जेड स्क्वायर ये जेड एक्सिस के अलोंग ही हो गया ना, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मैंने जेड एक्सिस लिया हुआ है,
ठीक है हाँ, इसमें राइट, डोंट अज्यूम एक्स और वाई इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इसमें आपको जेड को ही इंटर न्यूक्लियर एक्सिस लेना पड़ेगा, देर इज नो चॉइस। पी एक्स पी वाई में मैंने कर दिया था आपको, चलो ठीक है, बट नाउ यू विल अप्रिशिएट वाई जेड एक्सिस हैज अ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, जेड एक्सिस इज टू बी टेकन एज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ओनली। ठीक है हाँ, अगर एक्स वाई और वाई जेड होता तो भी नॉन बॉन्डिंग हो जाता। हाँ बोलो सर्विश। सर, अगर हम एक्स और वाई, एक्स या वाई को हम इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मानते तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से उनका भी सिग्मा बन सकता था ना? नहीं, देखो द थिंग इज दैट स्टार्टिंग से ही जेड को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिला हुआ है, मतलब द थिंग इज जब आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करते थे ना, तब ये थीटा डिफाइन ही जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में होता है, तो वहीं से प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हमारा स्टार्ट हो जाता है जेड एक्सिस का, एंड दैट इज व्हाई यू आल्सो आई वुड एडवाइस टू मेक अ हैबिट कि जेड एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान के चलो। ठीक है हाँ, अब बोलो हर्षल। सर आप थोड़ा ऊपर जा सकते हो? हाँ यहाँ पे हाँ सर, यहाँ पे, सर यहाँ पे आपने वो जो पी वाई और पी जेड के बीच में जो आपने नॉन बर्निंग बोला, सर वहाँ पाई बन सकता है ना शायद? नहीं ना बाबा, ये देखो ना, ये जेड एक्सिस है, ठीक है, हाँ सर, ये पी जेड हो गया राइट, यस सर, ये पी वाई, इसको वाई एक्सिस मान लो, ठीक है, तो इनके बीच में ओवरलैप इज कंसिडर्ड टू बी नॉन बॉन्डिंग। ओके ओके सर, ठीक है ओके थैंक यू सर। ऑलराइट, एंड देन यहां पर नोटिस करना, अब जब हम जेड में सॉरी डी ऑर्बिटल्स की बात करें, तो देर इज समथिंग कॉल्ड एज डेल्टा ओवरलैप ऑल्सो। ठीक है, व्हाट इज दिस डेल्टा ओवरलैप, यहां पे नोटिस करना, दिस इज बिटवीन, कैसा रहेगा यहाँ पे आप नोटिस करो, इसमें थोड़ा सा मैं स्लांट पर्सपेक्टिव लेता हूँ, सो लेट्स से दिस इज द जेड एक्सिस है ना, नाउ ठीक है, मान लो लाइक ये एक्सिस जो है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस राइट, इस तरीके से है, तो ये वाई एक्सिस के अलावा हो गया, ये जेड एक्स एक्स एक्सिस के अलावा हो गया, ठीक है, कौन सा ऑर्बिटल हो गया ये, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, वैसे एक और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल रहेगा, अब इनके बीच में आप नोटिस करना, एक्चुअली लाइक ऑल द फोर लोब्स विल बी ओवरलैपिंग, थोड़ा विजुअलाइज करना, ये नीचे वाला लोब इसके नीचे वाले लोब के साथ में ओवरलैप करेगा, ठीक है, विच इज नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग वाला, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग वाला लोब नेगेटिव एक्स एक्सिस वाले के अलोंग ओवरलैप करेगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस वाला पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में ओवरलैप करेगा, तो इन दिस केस इट इज अ लैटरल काइंड ऑफ एन ओवरलैप, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम पाई ओवरलैप। पाई ओवरलैप में यहां पर कैसा हो रहा था आप नोटिस कर रहे हो राइट, ये ऐसे लाइक वाई एक्सिस था, ये जेड एक्सिस था, तो ये दोनों लोब्स ओवरलैप कर रहे थे लाइक दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, यहां पर ये चारों लोब्स ओवरलैप करेंगे।
ठीक है हाँ, इट इज सिमिलर टू पाई बॉन्ड बट दिस इज नॉट कॉल्ड पाई बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा बॉन्ड। ठीक है, सो यहां पर सिमिलरली डी एक्स वाई एंड डी एक्स वाई, ठीक है, इन्हीं को मैं थोड़ा सा 45 डिग्री से घुमा दूं दोनों को, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में तो कैसा होता था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग थे ऑर्बिटल्स एज इन लोब्स, एक्स वाई में कैसा हो जाएगा, यही चीज को 45 डिग्री कर दो बस, बट अगेन उसमें चारों का ओवरलैप रहेगा, सो दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा ओवरलैप। ठीक है, इसके अलावा एनी अदर कॉम्बिनेशन बिटवीन डी ऑर्बिटल्स दैट यू विल थिंक ऑफ विल बी अ नॉन बॉन्डिंग वन, एनी अदर कॉम्बिनेशन, मतलब आप बोलोगे कि सर व्हाट अबाउट डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका क्या रहेगा, तो इसमें मेरा आंसर कैसा रहेगा, आप अगर ड्रॉ करके समझना चाहोगे तो ये जेड एक्सिस रहेगा, जेड एक्सिस के अलावा डी जेड स्क्वायर रहेगा और डी एक्स स्क्वायर कैसा रहेगा, राइट, समथिंग लाइक दिस, तो इनके बीच का जो ओवरलैप रहेगा ये नॉन बॉन्डिंग रहेगा। ठीक है, सो ओनली द बॉन्डिंग वंस आई हैव हाईलाइटेड इन फ्रंट ऑफ यू, सिग्मा पाई एंड दिस न्यू वन विच इज कॉल्ड एज अ डेल्टा ओवरलैप। Now this delta overlap is even weaker than pi. ठीक है, ऐसा मत बोलना कि यहाँ पे चार lobes का overlap हो रहा है, चार lobes का overlap हो रहा है, but then चारों lobes बहुत दूर दूर रहेंगे, like because ये nucleus और ये nucleus के बीच में repulsion रहता है, ठीक है, तो in fact it will be a weaker overlap. चार lobes जरूर लग रहे हैं, but this will be a overlap. So यहाँ पर in terms of extent of overlap, if I was to write something like this, extent of overlap, or you can say strength of overlap, ठीक है, sigma is greater than pi is greater than delta, ठीक है, delta is even a weaker overlap. Delta is not something which is in fact found commonly also, it is a bit rare. Like it is only found in D block के certain compounds and all में, ठीक है, अभी जो इस chapter में तो मैं एक ऐसा कोई सा भी example नहीं discuss करूँगा जिसमें delta bond form हो रहा होगा, ठीक है, कोई भी example ना booklet में मिलेगा आपको ना notes में मिलेगा, ये just मैंने extra piece of information के लिए बता दिया कि ठीक है ऐसा delta overlap रहता है, but ये मिलता भी है तो ये D block के certain elements में मिलता है, ठीक है। F सब शेल्स का भी एक ओवरलैप होता है, आई थिंक उसको फाई या साई कुछ बोलते हैं, आई डोंट रिमेम्बर, बट वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहां तक का आप ध्यान में रखोगे, सिग्मा पाई ये हमारा की फोकस है, एक एक डेल्टा जरूर मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया है बिकॉज डी ऑर्बिटल्स पे हम ध्यान देते हैं, तो उसमें अज्यूमिंग जेड एक्सिस टू बी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई एक्स वाई आपस में इस तरीके से ओवरलैप कर रहे हैं कि चारों लोब्स का ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है, लेट मी सी इफ आई कैन बॉन्डिंग ओवरलैप, गिव यू सम पर्सपेक्टिव। ठीक है, इतना ही काफी है।
नो ये इतना पार्ट समझ में आया आपको डी ऑर्बिटल्स का? इज दिस क्लियर? ठीक है, तो अब हम आगे के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, यहां पर नोटिस करना। नोटिस करना, अभी जब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यूज करके एटम्स के बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे थे, ऑर्बिटल्स के ओवरलैप के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने सिंपल सिंपल एग्जांपल H2, HF, F2, O2, N2 इस टाइप के एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करें, राइट, डायटॉमिक केसेस। एंड उसमें VBT इज एबल टू एक्सप्लेन कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से हो रहा है। बट द मोमेंट आई स्विच ओवर टू ट्राई एटॉमिक, फोर एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, देन VBT गोज फॉर अ टॉस। किस तरीके से आप नोटिस करना, फॉर एग्जाम्पल लाइक CH4, ठीक है, इसमें पांच एटम है, राइट। अब इसमें अगर मैं VBT से एक्सप्लेनेशन करने जाऊंगा तो नोटिस करना आई विल फेस सर्टेन ड्रॉबैक्स। किस तरीके से आप नोटिस करो, मैं CH4 का एग्जांपल ले रहा हूं, तो कार्बन के ऑर्बिटल्स लाइक जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल्स हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं, तो ये कैसा हो गया, 2s2 2p2, ठीक है। नाउ दिस इज द ग्राउंड स्टेट, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, दो ही अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, राइट। बट बॉन्ड फॉर्मेशन कितनी होनी है यहां पर, कार्बन के चार बॉन्ड्स बनने, चार हाइड्रोजन के साथ में, तो ठीक है, वी अंडरस्टैंड दैट, ओके, ग्राउंड स्टेट से बॉन्ड नहीं बन रहे होंगे, यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में कार्बन जा रहा होगा, लाइक जो 2s का इलेक्ट्रॉन है वो 2p में जंप कर जाएगा, एंड वी विल हैव फोर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स विच विल बी फॉर्मिंग फोर सिग्मा बॉन्ड्स विद द फोर हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। ये एक्साइटेशन के लिए एनर्जी कहां से आएगी, वो आ रही होगी जब हाइड्रोजन एटम्स पास में आते हैं, लाइक हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जब एटम्स पास में आते हैं तो एनर्जी डिक्रीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जब एनर्जी डिक्रीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वो एनर्जी यूज करके एक्साइटेशन भी हो रहा होगा, दैट्स ओके। तो यहाँ पर एक्साइटेशन हो गया, चार अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए एंड फिर चार हाइड्रोजन के एटम्स के साथ में हम लोगों ने सिग्मा बॉन्ड बना दिए, राइट। कैसे, यहाँ पर आपको अगर डायग्रामेटिकली समझना है तो ये कार्बन का 2s, राइट, ये PZ हो गया, ये PX हो गया और ये PY ऑर्बिटल हो गया, राइट, ये Z, ये X एंड ये Y, तो ये PZ ऑर्बिटल, PY ऑर्बिटल, PX ऑर्बिटल एंड S ऑर्बिटल, राइट, या ये कार्बन के हो गए, ठीक है, एंड हाइड्रोजन के भी एटम्स आए, राइट, एक ने PZ के साथ में सिग्मा बॉन्ड बनाया, राइट, एक ने पी वाई के साथ में सिग्मा बॉन्ड बनाया, एक ने पी एक्स के साथ में सिग्मा बॉन्ड बनाया, राइट, इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड बना लिया। अब एक किसके साथ बनाने का, एस के साथ में, ठीक है, कार्बन के एस ऑर्बिटल के साथ में, अब आएगा दूसरा हाइड्रोजन और वो भी ओवरलैप कर रहा होगा समहाउ, कैसे ना कैसे तो कर रहा होगा, पता नहीं बट कर रहा होगा। तो इसके हिसाब से, ठीक है, व्हाट वी आर सीइंग इज दैट आउट ऑफ द फोर सिग्मा ओवरलैप्स, थ्री आर SP ओवरलैप्स एंड वन इज SS ओवरलैप। तो फिर व्हाट इज VBT सजेस्टिंग, VBT सजेस्ट दैट वन CH बॉन्ड शुड बी डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री CH बॉन्ड्स,
है कि नहीं, जो तीन सिग्मा बॉन्ड है वो तो P और S के ओवरलैप से बन रहे हैं, और एक जो है वो S और S के ओवरलैप से बन रहा है, राइट? सो दैट्स व्हाई वन CH बॉन्ड शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर CH बॉन्ड्स, ठीक है? इनफैक्ट यहाँ पे ज्योमेट्री भी थोड़ी सी वियर्ड होनी चाहिए, राइट? एंगल्स बिटवीन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, राइट, ये जो एंगल रहेगा ये कैसा दिखना चाहिए, 90 डिग्री, ये भी VBD सजेस्ट कर रही है, क्योंकि ये PX, PY, PZ कैसे 90 डिग्री पर है ना? तो ये सब चीजें क्या सजेस्ट कर रही है, VBD सजेस्ट कर रही है कि अगर आप ऑर्बिटल्स का ओवरलैप कर रहे हो तो इस तरीके से सजेशंस आ रहे हैं, बट ये सब गड़बड़ है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से तो मैच नहीं करते हैं। लाइक जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है वो आप यहाँ पे नोटिस करो, दैट ऑल CH बॉन्ड्स in CH4 are identical, right? And all the bond angles, ये हम लोगों ने VSEPR में पढ़ा हुआ है, कितने थे? 109 degree 28 minute observe होते हैं, right? ये हमारा observation है from VSEPR as well as experimentally जो हमने देखा है। तो ये VBT ने तो यहाँ पे major गड़बड़ हो गई, लाइक फोपा। तो फिर अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे? आप लोगों को ड्रॉबैक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, हाँ। तो यहां पर VBT ने तो ये सजेस्ट करा कि भाई तीन CH बॉन्ड्स आइडेंटिकल होंगे और एक CH बॉन्ड डिफरेंट होगा, क्योंकि ये SRP के ओवरलैप से बन रहा है, ये SRS के ओवरलैप से बन रहा है, राइट? एंड इवन द ज्योमेट्री इज समथिंग व्हिच VBT इज सेइंग कि ऐसे 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, लाइक हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, राइट? बट ऐसा तो कुछ भी नहीं मिलता है, एक्सपेरिमेंटली समथिंग एल्स इज देयर। सो दिस इज वेयर The concept of hybridization is introduced. तो यहाँ पर नोटिस करना, a concept of hybridization along with VBT helps overcome these drawbacks. Now, what is this concept of hybridization? ठीक है, before I begin my discussion of what the concept of hybridization is, yahan par I would also want to introduce a note that hybridization is a theoretical concept. Okay, we'll come back to this note again जब मैं थोड़ा सा आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बता दूंगा, देन आई विल कम बैक टू दिस नोट अगेन। बट अभी के लिए फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। सो वीबीटी के इन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए वी से दैट बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशंस हैपन, ठीक है, एक एटम दूसरे एटम के साथ में बॉन्ड बनाएगा, उसके पहले एटम के ही ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होकर नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देंगे। सो यहां पर नोटिस करना, हाइब्रिडाइजेशन इज इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स कॉल्ड एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। दिस हैपेंस within an atom, ठीक है, जैसे यहां पे कार्बन हाइड्रोजन के एटम्स के साथ में बॉन्ड बनाने वाला है, तो कार्बन के ही जो ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, दीज ऑर्बिटल्स दे आर गोइंग टू इंटरमिक्स विद ईच अदर। व्हाट डू आई मीन बाय इंटरमिक्सिंग, वो मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। दे आर गोइंग टू इंटरमिक्स विद ईच अदर and result in formation of what we call as hybrid orbitals, and these hybrid orbitals
will then help in bond formation. अभी तक ये जो सिंपल डायटोमिक वाले केसेस थे उनमें कैसा था कि हम लोगों ने कोई हाइब्रिडाइजेशन कंसिडर नहीं किया था, एंड जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल, ठीक है, उन्हीं का हम ओवरलैप्स डिस्कस करके बॉन्डिंग एक्सप्लेन कर रहे थे. बट आगे व्हाट वी आर सीइंग इज दैट कि जो ये एटम्स के ही ऑर्बिटल्स हैं लाइक एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल, लाइक एक पर्टिकुलर एटम का अगर मैं बात करूं तो उसी के जो ऑर्बिटल्स हैं एस एंड पी ऑर्बिटल्स, वो आपस में इंटरमिक्स होकर कुछ नया दे देंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एंड फिर वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बॉन्ड फॉर्म करेंगे. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दिस, इंटरमिक्सिंग? ठीक है, सो यहां पर अब नोटिस करना, ठीक है, ध्यान से नोटिस करना that this intermixing is more of a mathematical concept. Where what we are saying is, notice karna, jaise yahan par carbon atom ka hum logon ne baat kara, 2s orbital tha, 2px, 2py, 2pz orbital था, ठीक है. Now what we are saying is that जब bonding होने वाली होगी, carbon atom bond form करेगा, then इनका जो wave function है, ठीक है, इनके जो wave functions हैं, of course you don't remember their wave functions. Which is absolutely okay. इनके जो वेव फंक्शंस हैं, ये आपस में मिक्स होकर कुछ नए वेव फंक्शंस देंगे, एंड वो नए वेव फंक्शंस, ठीक है, ये क्या थे, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, और यू कैन से एटॉमिक वेव फंक्शंस थे. इनके जो कॉम्बिनेशंस रहेंगे, ठीक है, जो इनकी इंटरमिक्सिंग होगी, ठीक है, वो इंटरमिक्सिंग कैसे होगी, वो मैथमेटिक्स है, आपको नहीं आती है, मुझे भी नहीं आती है, तो वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट डिटेल. दैट इनकी जो इंटरमिक्सिंग होगी उनसे यू विल गेट न्यू वेव फंक्शंस, वी कॉल देम एज हाइब्रिड वेव फंक्शंस, और वी कॉल देम एज hybrid orbitals. And these hybrid orbitals will now be overlapping, or you can say forming bonds. Now अब ध्यान से सुनना, यहां से यहां का जो mathematical treatment है, atomic orbitals से hybrid orbitals जाने का mathematical treatment है, वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है. क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल्स का भी आपके साथ में मैथमेटिकल डिस्कशन नहीं करा था. मैंने आपको बोल दिया था कि भाई ये एस ऑर्बिटल होता है, ये पी ऑर्बिटल होता है, तो आपने मान लिया था, माना था कि नहीं माना था, ठीक है. मैंने आपको बोल दिया था कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है तो ये पी एक्स ऑर्बिटल है, ये जेड एक्सिस के अलोंग है तो ये PZ orbital है. तो उसी तरीके से, ठीक है, यहां पर भी मैं आपको बोलूंगा कि ये देखो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, मैं ऐसा बोल दूंगा कि ये ऐसा शेप आएगा इसका, इसका डायरेक्शन क्या होगा वो मैं बता दूंगा. तो आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि अच्छा हाँ ठीक है सर बोल रहे हैं तो ठीक ही होगा, ठीक है. सो डोंट ट्राई टू get into the mathematical treatment of it, that how atomic orbitals ke wave functions are combined to
give the wave functions of hybrid orbitals. That is like a purely mathematical concept which requires a bit more detailed discussion. Right now, we are not going to get into that. अब definitely आपके दिमाग में question आ रहा है, ये किसने सोचा? ठीक है, who came up with this? Right, so again the scientific community only came up with this. They were like कि ये जो बात यहाँ पे CH4 के example से समझ में आई, you know, if we just take the pure atomic orbitals, the pure atomic orbitals aren't able to explain this. And in fact, not just CH4 का example, और भी बहुत सारे example, जहाँ पर भी दो atom से ज़्यादा हो रहे थे. BF3 हो गया, H2O हो गया, NH3 हो गया, like जहाँ पर भी दो atom से ज़्यादा प्रेजेंट थे ना मॉलिक्यूल, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टैंड अलोन BBT काम नहीं कर रहा था. एंड दैट इज वेयर देन दिस कॉन्सेप्ट केम इन, कि जब हम इन अटोमिक ऑर्बिटल्स को वेव फंक्शंस की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, एंड ये वेव फंक्शंस आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, स्पेशली इफ दे आर ऑफ सिमिलर एनर्जी लेवल्स. ठीक है, सिमिलर एनर्जी लेवल्स क्यों बोला मैंने, क्योंकि अगर आपको याद हो कि हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी थी इंटरफेरेंस की, राइट, ये एक वेव फंक्शन है और ये दूसरा वेव फंक्शन है, राइट, ये आपस में इंटरफेयर कर सकते हैं ना एक दूसरे के साथ में. अगर इनकी एनर्जी सिमिलर है तो जो रिजल्टेंट आता है वो भी मतलब सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होता है as compared to the original wave functions. Like अगर इसका amplitude A है, इसका भी amplitude A है, तो ये resultant wave function का amplitude कितना आ जाता था constructive interference होने पर, 2A. Destructive interference होने पर क्या होता था, it would just completely vanish away. ठीक है, तो ये similar energy के जो orbitals हैं, similar energy की जो waves हैं, उनका interference, it brings in a significant change. ठीक है, but अगर like एक काफी disparate energy है wave functions की, right, एक बहुत ज्यादा energy का, एक कम energy का है, और इनका मैं interference कराऊंगा, right, ये 100 है और ये 1 है, तो resultant क्या रहेगा, 99 रह सकता है या फिर 101 रह सकता है, right, तो it isn't bringing much of a change as compared to the original, right? तो इनके केसेस में वेव फंक्शंस को कंबाइन करने का कोई फायदा नहीं है. सो उसी थॉट प्रोसेस पे आगे बढ़ते हुए, लाइक ये प्रॉपर एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट होता है यहां पर, जिसकी अगेन एज आई सेड डिटेल्स में हम लोग नहीं जाएंगे, बस इतना होगा कि हाँ ठीक है, यहाँ पर ऑर्बिटल्स जो हैं उनका हम लोग इंटरमिक्सिंग कर सकते हैं सब्जेक्ट टू सर्टेन क्राइटेरिया, सब्जेक्ट टू क्राइटेरिया ऑफ एनर्जी, सब्जेक्ट टू क्राइटेरिया ऑफ सिमेट्री, हम इनकी इंटरमिक्सिंग कर सकते हैं. ठीक है, सो आई होप यू गाइज आर नाउ गोइंग टू अप्रिशिएट द डिफरेंस बिटवीन इंटरमिक्सिंग एंड ओवरलैपिंग. ठीक है, ये वर्ड इंटरमिक्सिंग हम लोग कब यूज कर रहे हैं, जब हम लोग विद इन एन एटम, ठीक है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनको आपस में मिक्सअप कर रहे हैं, तो उसको हम इंटरमिक्सिंग कह रहे हैं. ठीक है, ओवरलैपिंग किसे कह रहे हैं हम लोग, ओवरलैपिंग के बारे में हम लोग कब बात कर रहे थे, जब एक एटम और दूसरा एटम और उनके ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे होंगे. ठीक है, तो ये दो वर्ड्स का डिस्टिंक्शन क्लियर रखना अपने दिमाग में, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन देम. ठीक है, नाउ कमिंग बैक,
what we are saying is that hybridization क्या कह रहा है कि जब एक एटम बॉन्ड बनाने जा रहा है, ठीक है, सेम CH4 कार्बन बॉन्ड बनाने जा रहा है, तो कार्बन अपने ही ऑर्बिटल्स को आपस में इंटरमिक्स करके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएगा एंड फिर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएंगे, लाइक दे विल बी ओवरलैपिंग विद अदर ऑर्बिटल्स एंड फॉर्मिंग बॉन्ड्स. ठीक है, हाँ, अब मैं आपको इंटरमिक्सिंग के बारे में बताऊंगा एक एक करके, वो आपको विजुलाइज करने में हेल्प करूंगा, बट अभी के लिए डेफिनेशन समझ में आया हाइब्रिडाइजेशन किसे कह रहे हैं. ठीक है, अब एक एक करके हम एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल जाएंगे जहां पर हम मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स का डिस्कशन करेंगे. ठीक है, सो यहां पर नोटिस करना, ठीक है, बिफोर आई टॉक अबाउट दीज फीचर्स, ठीक है, मैं एक बार छोटा सा क्विक विजुअलाइजेशन आपको बता देता हूं. जैसे मेन फीचर्स के बारे में बात करूंगा, बट एक मिनट रुक जाओ मुझे, क्योंकि ये सर्वेश और अमान दोनों पूछ रहे हैं कि मुझे विजुअलाइजेशन नहीं समझ में आया, तो मैं जस्ट एक बार एक क्विक विजुअलाइजेशन बता देता हूँ. तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एसपी हाइब्रिडाइजेशन. एसपी हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होगा कि एक एस ऑर्बिटल दूसरे एक और पी ऑर्बिटल के साथ में इंटरमिक्स होके दो एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएगा. नाउ डू यू रिमेम्बर एस ऑर्बिटल, राइट? ये ऐसा यहां पर स्फेरिकल एस ऑर्बिटल है. डू यू रिमेम्बर पीजेड ऑर्बिटल? दिस इज द पीजेड ऑर्बिटल. ठीक है, इनका जो वेव फंक्शन है, राइट, इनको कंबाइन करा जाता है. ठीक है, एंड किस तरीके से कंबाइन किया जाता है? देर आर सर्टन कोफिशिएंट्स एंड ऑल इन्वॉल्व, एंड उससे यू गेट हाइब्रिड वेव फंक्शंस. एंड वो हाइब्रिड वेव फंक्शंस क्या होते हैं आपको उसमें जाने की जरूरत नहीं है, बट उनसे जब ऑर्बिटल्स ड्रॉ करे जाते हैं तो आप नोटिस करना उनसे ऑर्बिटल कैसे आएंगे. उनसे दो एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे. ठीक है, ये एक एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया. कैसा है? एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब. ठीक है, दिस इज वन एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल. ठीक है, क्यों होता है बड़ा लोब छोटा लोब? वो उसके वेव फंक्शन में है. जिस तरीके से ये वेव फंक्शंस को कंबाइन करा जाता है उससे ये आता है. ठीक है, सो यहां पर अभी मैं आपको बता रहा हूं कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप रहेगा, तो आप मान के आगे बढ़ जाओ. ठीक है, डोंट ट्राई टू गेट इन टू कि ये शेप कैसे आया. ठीक है, वो ये वेव फंक्शन से ही आता है. सो यहां पर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल आया एक, विच वॉज वन बिग लोब एंड वन स्मॉल लोब. ये एक एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ऐसे ही दूसरा एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल रहता है, राइट? ये एक छोटा लोब और एक बड़ा लोब, एंड ये 180 डिग्री पर रहता है टू मिनिमाइज रिपल्शंस. तो इस तरीके से एक एस और एक पी मिलकर यहां पर क्या हो रहा है, एक एस और एक पी मिलकर दो एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं. ठीक है, हाँ, नहीं नहीं विवेक, थोड़ा सा होल्ड करो, इसमें ऐसा कोई पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वगैरह फेल नहीं हो रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी जब मैं एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा ना कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल्ड अप रहेंगे इन ऑर्बिटल्स में. आई विल टॉक अबाउट इट. नाउ अगर आपको ये एक क्विक अंडरस्टैंडिंग समझ में आई कि ओके, विजुअलाइजेशन समझ में आया कि ठीक है, चलो कुछ ऐसे ऑर्बिटल्स फॉर्म हो जाएंगे, लाइक तो कार्बन जो है ये ऑर्बिटल्स यूज करके बॉन्डिंग नहीं करता, कार्बन अपने
ऑर्बिटल्स को कुछ इस तरीके से हाइब्रिडाइज करके बॉन्डिंग करता है, तो वो हम लोग देखेंगे कि वो इस तरीके से आगे बढ़ेगा। ठीक है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दिस वॉज जस्ट वन एग्जाम्पल जहां पर एक एस और एक पी मिक्स हो रहे थे। यू विल ऑल्सो कम अक्रॉस sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 में कैसा हो रहा है, एक एस और दो पी, ये एक एस है, एक पी एक्स और एक पी जेड है, और मिलकर ये तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। ठीक है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे हैं, अगेन यू विल नोटिस लाइक एक बड़ा लोब छोटा लोब, बड़ा लोब छोटा लोब, बड़ा लोब छोटा लोब, एंड टू मिनिमाइज रिपल्शंस दे आर एट 120 डिग्री का एंगल। कहां से आ रहा है ये अगेन मैथमेटिकल ट्रीटमेंट से आ रहा है। ठीक है, यू हैव वेव फंक्शन ऑफ एस ऑर्बिटल, यू हैव वेव फंक्शन ऑफ पी जेड ऑर्बिटल, यू हैव वेव फंक्शन ऑफ पी एक्स ऑर्बिटल, राइट, एंड उनका लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, कोफिशंट्स आते हैं और उनसे ये वेव फंक्शंस जनरेट होता है। कैसे वो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट होता है भूल जाओ, डोंट ट्राई टू गेट इनटू दैट। एंड फिर ये ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग में बॉन्ड फॉर्मेशंस में काम आते हैं। इन ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करके बॉन्ड फॉर्मेशंस हम लोग देखते हैं। कैसे वो मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, लाइक वो डिटेल में ये सब एग्जांपल ले लेके मैं आपको ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग सब बताऊंगा। ठीक है, बट समझना दैट वीबीटी के साथ में ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट सप्लीमेंट किया जाता है, सो एज टू डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो अ कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज सप्लीमेंटेड टू वीबीटी टू हेल्प ओवरकम दीज ड्रॉबैक्स एंड एक्सप्लेन मॉलिक्यूल्स। हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस ध्यान से सुनना, दिस इज अ थियोरेटिकल और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। वाई इज दिस अ थियोरेटिकल और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, बिकॉज लाइक किसी ने ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देखे नहीं है। ठीक है, किसी ने एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी देखे नहीं है, वैसे तो किसी ने ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी देखे नहीं है जो मैंने बात करी अभी, बट दिस does help in explaining a lot of properties and examples. That is why this became a concept in itself. ठीक है, जैसे sp d ये किसने थोड़ा देखे हैं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल, बट उसके बेसिस पर हम लोग आगे बढ़े, हम लोगों ने पूरा पीरियोडिक टेबल बना दिया, हमने आगे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली और उससे आगे के predictions भी करे which were coming out to be true only. So that is where we say ki, okay, our understanding is going in the right direction. ठीक है, so अब इस पे आगे बढ़ते हैं। So now before I start using hybridization in examples, let me talk about some of the important features of hybridization. What are these features? These are, you can say, simplified understanding of the mathematics that goes behind an hybridization. ठीक है, इसके पीछे जो मैथमेटिक्स जाती है वो तो आपके सिलेबस में नहीं है, बट उसका कुछ सिंप्लीफाइड कंक्लूजन्स, उसके कुछ सिंप्लीफाइड रिजल्ट्स जरूर आपसे एक्सपेक्ट करे जाते हैं कि चलो ये ध्यान में रख लो कि कल को अगर मान लो आप मास्टर्स या पीएचडी भी करने जा रहे हो केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, तो आपको डॉट्स कनेक्ट करने आए। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाइड अंडरस्टैंडिंग्स कैसी हैं यहाँ पे नोटिस करना। सबसे पहले अटोमिक ऑर्बिटल्स विच आर
नियरली द सेम एनर्जी लेवल आर टू बी कंसिडर्ड फॉर हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, ऐसा नहीं कि रैंडमली मान लो सल्फर का आइटम है, तो ऐसा नहीं कि सल्फर के आइटम में तो कैसा है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, राइट, ये सब ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है सल्फर के अंदर. ठीक है, सो इसमें जब सल्फर का आइटम हाइब्रिडाइज होने जाएगा, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो वी विल से दैट सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज करना. ठीक है, व्हाइल डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, सिमिलर एनर्जी, एग्जैक्टली सेम होगा तो भी चलेगा, बट सिमिलर एनर्जी रहेगा तो भी चलेगा. ठीक है, 1s का 3s के साथ में करने का कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू यील्ड एनीथिंग डिफरेंट एज कंपेयर टू द ओरिजिनल ऑर्बिटल्स देमसेल्व्स. ठीक है, सो यहां पर नोटिस करना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच आर नियरली सेम एनर्जी लेवल, उन्हीं के हम लोग मिक्सिंग के बारे में बात करते हैं. तो अब यहां पर जब हम एस एन पी ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है, मैं डी ऑर्बिटल्स पे बाद में आऊंगा. ठीक है, अभी एटलीस्ट आज के लेक्चर में हम डी ऑर्बिटल्स का डिस्कशन नहीं करने वाले हैं. सो यहां पर अभी जस्ट मैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एस एंड पी ऑर्बिटल्स के बारे में बात करूंगा. दैट एस एंड पी ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम शेल विल बी ऑफ सिमिलर एनर्जी. ठीक है, सो इनके बीच में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करेंगे. सो 2s 2p के साथ में कर सकता है, बट 2p 3s के साथ में या 3s 2p के साथ में नहीं लेंगे, बिकॉज इनके बीच में देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट एनर्जी गैप. मतलब अगर मैं ऐसे ये एनर्जी का एक स्केल बनाऊंगा तो ये 1s यहां पर होगा, 2s 2p यहां पर होगा, ठीक है, फिर 3s 3p यहां पर होगा, राइट, इस तरीके से. तो सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करा देंगे एज कंपेयर टू द वंस जिनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अलग अलग हो. ठीक है, हाँ, ये एनर्जी कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये एनर्जी हम लोग डिटरमाइन करते हैं अगेन फ्रॉम द वेव फंक्शंस. जब श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करी जाती है ना, तो उससे वी गेट द रिजल्ट्स ऑफ वेव फंक्शंस एंड एनर्जीज. ठीक है, हाँ, राइट, करेक्ट, अमन, डायराक इक्वेशन यूज करके, बट अपने लिए अभी वो पॉसिबल नहीं है ना. आपको याद हो विवेक कि हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में सिर्फ बोर्स मॉडल तक ही एनर्जी लेवल कैलकुलेट करना सीखा था, -13.6 z² / n² उसके बाद में जब ऑर्बिटल्स के बारे में हम लोग बात करने लगे थे, तब हमने बोल दिया था कि भाई ठीक है, अभी एनर्जी कैलकुलेशन हमारे बस का नहीं बचा है. ठीक है, जिनको आता है उन्होंने कर रखा है, बट हमारे बस का नहीं है. तो हम लोगों ने बोला था कि चलो रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी बता दो, जो हमने एन प्लस एल रूल से रिलेटिव ऑर्डर एटलीस्ट ध्यान में रख लिया था कि किसका कम किसका ज्यादा. ठीक है, हाँ, अभी कृष्णा ओनली एस एंड पी ऑर्बिटल्स. ठीक है, वी आर नॉट एंटरटेनिंग डी ऑर्बिटल्स राइट नाउ, वी आर नॉट इंक्रीजिंग आवर कॉम्प्लेक्सिटी, पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो यहां पर हाँ, इवन इफ यू यूज एन प्लस एल रूल, दैट्स ऑल्सो ओके. तो यहाँ पर मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि n वैल्यू जो रहता है वो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर रहता है. तो 1s, 2s, 2p सिमिलर रहेगा, 3s, 3p सिमिलर रहेगा, राइट, एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जंप विल लीड टू अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स. तो यहाँ पर सिमिलर क्वांटम नंबर एज इन सेम क्वांटम नंबर के जो एस एफ पी ऑर्बिटल्स है उन्हीं का इंटरमिक्सिंग आपको करना है. ठीक है, तो ये एक फीचर रहेगा हाइब्रिडाइजेशन का. ठीक है, उसके बाद दूसरा फीचर नोटिस करना, दिस अगेन कम्स फ्रॉम द मैथमेटिक्स ऑफ वेव फंक्शन, दैट जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हम लोग जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हम लोग मिक्स करेंगे, अगर हमने दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स करे हैं तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट होंगे.
राइट, जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि 1s और 1p को मैं मिक्स करूंगा तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट होंगे, ठीक है। क्या नाम रखा था उनका हमने, sp। अगर हम एक s और दो p को मिक्स करेंगे तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्रिएट होंगे, उनका क्या नाम रखा था हमने, sp2। वैसे अगर एक s और तीन p को मिक्स करेंगे तो चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्रिएट होंगे और उनका नाम रखा था हमने sp3। तो मैं एक एक करके sp, sp2, sp3 की डिटेल में जाऊंगा, बट गिविंग यू एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इट कि हाइब्रिडाइजेशन में जो अभी कहां से आता है, इसकी पीछे की मैथ्स है, दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स व्हाट आर द आउटकम्स दैट आर कमिंग, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, लाइक टू गिव यू एन एनालॉजी कि क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होंगे, क्यूबिक के तीन रूट्स होंगे, ये सब कहाँ से आता है, मैथ्स से समझ के। तो वैसे ही जब इन वेव फंक्शंस की मैथ्स को समझा जाता है और उनमें लीनियर कॉम्बिनेशन करे जाते हैं ऑर्बिटल्स के, तो उनसे ये लाइक मैथमेटिकल आउटकम आता है दैट नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट विल बी कंबाइंड। नाउ अब इसमें नोटिस करना, हाँ नहीं, ये क्वांटम नंबर नहीं है, दिस इज जस्ट अ काउंट। हाँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे वन इस तरीके से लिखा है, बिकॉज आई न्यू कि स्टूडेंट्स ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं ऐसे 1s और 1p लिख दूंगा तो यू विल स्टार्ट कंफ्यूजिंग दिस वन विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो दैट इज नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। दिस वन ओवर हियर इज जस्ट अ काउंट, ठीक है, नॉट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर विद एवरीवन। नाउ एक और फीचर नोटिस करना, द एनर्जी ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इन बिटवीन द एनर्जी ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो मान लो जैसे ये एक s और दो p, ठीक है, s और p में p की एनर्जी ज्यादा रहेगी, सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, लेट्स से 2s और ये 2p है, तो 2p की एनर्जी ज्यादा रहेगी। अब ये आपस में इंटरमिक्स कर रहे हैं और इनसे हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, तो कैसा रहेगा, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मैंने यहाँ ब्लू में ड्रॉ करें, इनकी एनर्जी एस और पी के बीच में ही रहेगी, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फीचर, ये भी हमारे लिए आगे काम आता है। अनदर फीचर नोटिस करना कि जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, ठीक है, मान लो आपने यहां पर तीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स यूज करे और उनसे तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लिए, तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है, इनके बारे में नोटिस करना, दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल बी इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब इनकी एनर्जी, शेप, साइज सब बराबर है, ठीक है, एनर्जी लेवल में तीनों सेम ही एनर्जी लेवल के रहेंगे, ठीक है। ऑल्दो इस पे मैं थोड़ा सा बाद में मॉडिफिकेशन लेके आऊंगा, बट अभी के लिए टू बिगिन विद यहाँ पर तीनों का एनर्जी, जैसे यहाँ पर बने तो इनका आइडेंटिकल एनर्जी, शेप, साइज रहेगा। डायरेक्शनल ओरिएंटेशन डेफिनेटली कुछ ऐसा रहेगा जैसे उनके बीच में रिपल्शंस मिनिमाइज हो जाए। द डायरेक्शनल ओरिएंटेशन जैसे आपने नोटिस किया था, हम लोगों ने 180 डिग्री 120 डिग्री कुछ दो तीन मैंने आपको बताए थे विजुअलाइजेशन, तो उसमें ऐसा रखेंगे इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का डायरेक्शनल ओरिएंटेशन, सच दैट उनके बीच के रिपल्शंस कम से कम रहे, ठीक है। एंड देन अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट विल बी दैट ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे इनके अंदर ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। तो यहां पर अगर मैं एक s और एक p को कंबाइन कर रहा हूं, ठीक है, तो उसमें 50% s एंड 50% p के कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे। एक s और दो p को कंबाइन करूंगा तो उसमें 33% s
एंड 67% पी के कैरेक्टर रहेंगे। एक एस और तीन पी को मैं कंबाइन करूंगा तो उसमें 25% एस के कैरेक्टर एंड 75% पी का कैरेक्टर रहेगा। सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच विल कम हैंडी लेटर, दैट जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं उनके फीचर्स लाइक उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आर गोइंग टू बी व्हाट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स गोइंग टू हैव। देन ये लास्ट पॉइंट यहां पर रहेगा दैट जब हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेंगे, ठीक है, तो यहां पर नोटिस करना जब हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेंगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल बी गिवन अ प्रेफरेंस ऑफ फॉर्मिंग बेटर बॉन्ड्स। सो ये सिग्मा बॉन्ड्स जो रहेंगे वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के थ्रू ही बनाएंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि यहां पर आप लोग नोटिस करोगे जब हम ओवरलैप्स के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, मान लो ये एक पी ऑर्बिटल है और ये दूसरा पी ऑर्बिटल है, ठीक है, इनके बीच में ओवरलैप होगा वर्सेस ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इनके बीच में ओवरलैप होगा, तो यहां पर ओवरलैप बेटर होगा क्योंकि ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द न्यूक्लियस, यहां पर भी इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन आइदर साइड ऑफ द न्यूक्लियस, बट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में देयर इज ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ऑन वन साइड एज कंपेयर टू द अदर साइड। इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देयर इज ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ऑन वन साइड ऑफ द न्यूक्लियस देन द अदर साइड, तो इनका जब ओवरलैप होगा तो ये ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैप होगा, एज इन इनसे इनके ओवरलैप से इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी बिटवीन द न्यूक्लियस बढ़ जाएगी, उससे क्या हो जाएगा ओवरलैप ज्यादा अच्छा काउंट होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्गर काउंट होगा, ठीक है। सो इसको हम लोग नहीं रिपल्शन नहीं होगा, रिपल्शन तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में ही रहता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन इज नॉट द रिपल्शन टू लुक एट, न्यूक्लियस न्यूक्लियस का रिपल्शन रहता है। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ये इसके न्यूक्लियस से ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट हो पाएंगे, ये जो इसके इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे राइट हैंड साइड वाले के वो लेफ्ट हैंड साइड के न्यूक्लियस से ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट हो पाएंगे, तो यहाँ पर बॉन्ड ज्यादा अच्छा बनेगा, अच्छी ओवरलैप होगी। तो इसको क्विकली कैसे समराइज कर देंगे, इवन इफ यू डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू द निटिग्रिटीज ऑफ इट, जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ठीक है, हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स में इसको एलाबोरेट कर देंगे। एंड देन ये एक लास्ट फीचर रहेगा, ये लास्ट फीचर इज नॉट एक्चुअली अ फीचर, दिस इज मोर लाइक अ यू नो आंसर टू अ कॉमन डाउट विच यू गाइज आर गोइंग टू आस्क मी जब हम आगे जाएंगे। तो इसमें इट इज द ऑर्बिटल्स विच अंडरगो ओवरलैप विच अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, नॉट द इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ऑर्बिटल फुल फिल्ड है, हाफ फिल्ड है या इवन वेकेंट है तब भी हम उसका हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, ऐसा नहीं है कि उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा क्यों नहीं होगा, ये हाइब्रिडाइजेशन का डिस्कशन ऑर्बिटल्स के लिए हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए नहीं। तो इवन इफ यू हैव फुल्ली फिल्ड, हाफ फिल्ड, वेकेंट ऑर्बिटल, डजंट मैटर, सब में हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, ठीक है। तो इन फीचर्स के साथ में हम लोग अब एक एक करके हाइब्रिडाइजेशन समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिंपलेस्ट ऑफ ऑल एसपी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अच्छा इसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा तो अगर आपको एक क्विक ब्रेक लेना है तो आप अभी ले लो, ठीक है, फिर मैं बीच में ब्रेक नहीं दूंगा इसके, राइट। सो अभी कितना 11:48 हो रहा है, 12 बजे रिज्यूम करते हैं एंड फिर मैं यहीं से अब डिस्कशन स्टार्ट करूंगा अपना। इन द मीन टाइम डज एनीवन हैव एनी डाउट और क्वेश्चन टू आस्क, पूछ लो।
ठीक है, तो फिर 12 बजे रिज्यूम करेंगे, जहां पर फिर आई विल गो थ्रू दीज हाइब्रिडाइजेशंस।
All right, I hope everyone is back. So let's resume our discussion of SP hybridization. सबसे पहले हम लोग SP hybridization से बात करेंगे. So 1s and 1p. These two orbitals, and again these one are the count, not the principal quantum number. So 1s and 1p orbital intermix to give two sp hybrid orbitals. Right, so you have now following this particular point, second number point, that number of hybrid orbitals is equal to the number of atomic orbitals. So we'll get two hybrid orbitals. Now these hybrid orbitals will be identical, right, in terms of their shape, size and energy, and the directional orientation will be such that the repulsions between them will be minimized. So yahan par aap notice karna, ye ek s hai aur ye ek pz orbital ko mix kara humne, to inse we get two sp hybrid orbitals. Jaisa maine aapko bataya tha, right, ek bada loop, ek chhota loop. This is one sp hybrid orbital. Then the other one is also in the same manner, ek bada loop and chhota loop, and in ke directional orientation will be 180 degree, so that the repulsion between them is minimized, right? Now these are along z axis. Why? Because the original atomic orbital itself was along the z axis only. Had I chosen s and px, to fir ye jo hybrid orbitals bante wo kahan par hote? They will be along the x axis only, right? Yahan par maine s and pz choose kara hai, to ye z axis ke along 180 degree par do hybrid orbitals present rahenge. Itna part samajh mein aaya aapko from the diagram perspective, from the visualization of hybrid orbital perspective. Acha, abhi energy ke perspective se bhi notice karna. From the perspective of energy, as I said, if s and p ka energy level mein compare kar raha hu, right, nahi, do p aapas mein milkar hybrid nahi banayenge, matlab it will be of no use as such in explaining what they are trying to do. Okay, it's a valid doubt. So Sarvesh ka doubt hai ki sir, do p orbitals ki bhi intermixing kar sakte hain kya, like px and py ki intermixing kar sakte hain kya? Ab actually px aur py ki intermixing is kind of not going to yield something much different from what these px and py were. Right, तो ये काइंड ऑफ नॉन बॉन्डिंग जो ओवरलैप हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, वैसे यहाँ पर पी एक्स और पी वाई की अगर मैं मिक्सिंग कर दूंगा ऑफ द सेम, हाँ मतलब, सो नॉन बॉन्डिंग तो हम कब बोलते थे, जब हम ये पी एक्स एक एटम का था और पी वाई दूसरे एटम का था, ठीक है, यहाँ पर ये दोनों सेम ही एटम के ऑर्बिटल्स हैं, बट इनकी भी मैं मिक्सिंग कर दूंगा तो भी इट विल नॉट यील्ड समथिंग different, ठीक है. Now यहां पर energy के perspective से notice करना. So I have s and p, in which s का energy कम होता है, p का energy ज्यादा रहेगा, relatively आसपास ही रहेंगे but relatively p का ज्यादा रहेगा. तो जब इनकी intermixing करी, s और pz को आपस में mix करा, तो यहां पर आप notice करो that दो sp hybrid orbitals बने और इनका एनर्जी लेवल इट विल बी बिटवीन एस एंड पी, एंड जो पी एक्स पी वाई बच गए वो हमारे प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स रहे, ठीक है. जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रहेंगे, इनके बारे में हम लोग क्या बोलेंगे, ये एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर यू विल हैव 50% एस कैरेक्टर एंड 50% पी कैरेक्टर. तो अगर मैं एनर्जी के परस्पेक्टिव से बात करूं यहां पर, तो ये जो sp का एनर्जी लेवल रहेगा ये इन बिटवीन, लाइक एट द मिडल ऑफ s एंड p प्रेजेंट होगा, क्योंकि इसमें 50% s का कैरेक्टर है, 50% p का कैरेक्टर है.
ठीक है, पी एक्स पी वाई के साथ में क्या रहा, पी एक्स पी वाई एज इट इज, जैसे पुराने थे प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स वही प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही रहे, बस एस और पी जेड की मिक्सिंग हुई इन द एस पी हाइब्रिडाइजेशन। नाउ अगर आपको ये एस पी हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया है तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं आप, दैट वेयर और हाउ इट हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग अंडरस्टैंडिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। So let's start with this case of C2H2, acetylene. Now, based on your knowledge of VSEPR, can you let me know what will be the shape of this molecule, C2H2, based on your knowledge of VSEPR? दो सेंट्रल एटम है उसमें देख लो, ठीक है, तो संयम ईशान करेक्ट है, हाँ महिमा सर्वेश भी करेक्ट है, हाँ अभी अमान का भी करेक्ट आ गया, लीनियर ही हो गया ना, मतलब आप इस कार्बन के ऊपर फोकस करो तो लोन पेयर जीरो और बॉन्ड पेयर कितना, दो, एक सिंगल एक सुपर सिंगल, तो इसके अराउंड 180 डिग्री ओरिएंटेशन रहेगा, राइट। वैसे इस कार्बन के अराउंड भी जाओगे तो वापस से नोटिस करोगे लोन पेयर जीरो बॉन्ड पेयर दो, तो इसके अराउंड भी क्या है 180 डिग्री का ही एंगल रहेगा, लीनियर रहेगा। तो ओवरऑल ये मॉलिक्यूल कैसा आ गया, लीनियर आ गया है कि नहीं, डज एवरीवन अंडरस्टैंड द लीनियर शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल नाउ, जिस जिसने सी सॉ बेंच पर जाने क्या क्या आंसर दिया था। ठीक है, नाउ let's try to understand this molecule from the perspective of overlapping of orbitals and usme hybridization is going to play a crucial role. So we start with a piece of given information, theek hai, kyunki aapko abhi aata nahi hai nikalna hybridization, to main abhi aapko ye maan lo ki information di hui hai that both the carbon and this carbon are sp hybridized, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पहले से नहीं पता है, ठीक है, ऑल्दो आपको बाद में निकालना आ जाएगा, आई विल लेट यू नो द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग हाइब्रिडाइजेशन, बट राइट नाउ आई एम टेलिंग यू दैट बोथ दीज कार्बन आर एसपी हाइब्रिडाइज्ड। नाउ कैन यू एक्सप्लेन द बॉन्ड फॉर्मेशन एंड ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स इन दिस मॉलिक्यूल, तो हम लोग शुरू हो जाते हैं, लेट्स फोकस ऑन दीज कार्बन एटम्स फर्स्ट। सो लेफ्ट हैंड साइड के कार्बन एटम के ऊपर फोकस करना, ठीक है, सो ये लेफ्ट हैंड साइड का कार्बन एटम था, इसका कॉन्फिगरेशन कैसा था, 2s2 2p2, ठीक है, बट लेट्स से ये एक्साइटेड स्टेट में आ गया, ठीक है, एक्साइटेशन कम कर ही सकते हैं ना, क्योंकि चार बॉन्ड बनाना है ना, कैन यू सी यहाँ पे कार्बन को कितने बॉन्ड बनाना है, तीन इधर और एक इधर, चार बॉन्ड बनाने के लिए चार एम्पियर इलेक्ट्रॉन लगेंगे कार्बन को, सो वी टॉक अबाउट द लेफ्ट हैंड साइड कार्बन एटम एंड उसका एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 2s एंड 2p3, लाइक यहां से s यहां पर एक्साइट होके चला गया। अब जैसा मैंने आपको बताया कि ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स पहले हाइब्रिडाइज करेंगे, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है यहां पर, sp हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, राइट, तो एक s और एक p आपस में मिक्स करके दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे, राइट, एंड ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स रह जाएंगे px एंड py। यहां तक का कोई दिक्कत किसी को, ये समझ में आ रहा है। अभी इसी चीज को मैं ऑर्बिटल्स के पर्सपेक्टिव से विजुलाइज करूंगा तो कैसा दिखेगा, यहां पे आप नोटिस करो, नाउ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑर्बिटल्स नोटिस करना, ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे s px py pz, राइट, ये एक्स वाई जेड एक्सेस है, ठीक है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने ऐसे बना रखा है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इज द जेड एक्सेस, वर्टिकल इज द एक्स एक्सेस, एंड ये बाहर की तरफ अंदर की तरफ जाता हुआ इज द वाई एक्सेस, तो ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं,
राइट, इसमें मैंने क्या बताया, एक एस और ये पी जेड जो ब्लू में मैंने शो करे, ये मैंने हाइब्रिडाइज कर दी और यहां पर ये मेरे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए, ठीक है, 180 डिग्री अलोंग द z एक्सिस, राइट, ये समझ में आ रहा है, दिस इज अलोंग द z एक्सिस, बाकी px एज इट इज रहा और py एज इट इज रहा, ठीक है, px जैसा था वैसा ही है, py जैसा था वैसा ही है, इतना समझ में आया ऑर्बिटल्स के पर्सपेक्टिव से विजुअलाइजेशन समझ में आया। तो ये किसके साथ हुआ, मैंने बताया लेफ्ट हैंड साइड कार्बन के साथ में, लेफ्ट हैंड साइड कार्बन कैसा था, sp हाइब्रिडाइज हो रहा था। अब यही का यही चीज राइट हैंड साइड कार्बन के साथ में भी हो रही है, राइट हैंड साइड कार्बन भी आप यहाँ पे नोटिस करो ना, ये भी ऐसा ही है, चार बॉन्ड बनाना है इसको, तीन इधर और एक इधर, और ये भी sp हाइब्रिडाइज है, तो चार बॉन्ड बनाने के लिए एक्साइटेड स्टेट कॉन्फिगरेशन रहेगा इसका, 2s एंड 2p4, राइट, ये एक्साइट होकर इधर चला जाएगा और इनमें से अगेन sp हाइब्रिडाइजेशन करनी है, राइट, तो sp हाइब्रिडाइजेशन करनी है, तो व्हाट इज द चॉइस ऑफ ऑर्बिटल दैट आई शुड हाइब्रिडाइज, यहां पर मैं pz ही हाइब्रिडाइज करूंगा, कैन आई टेक px और py ओवर हियर फॉर हाइब्रिडाइजेशन, इफ आई डू दैट देन मैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा हूं, because if I take instead of pz if I take px or py to fir hybrid orbitals will be along say x or y axis, but mujhe to overlapping karwani hai na, sigma bond banana hai carbon carbon ke beech mein, right, sorry kahan gaya, ye carbon carbon ke beech mein sigma bond banana hai to wo internuclear axis ke along hi banega na, right, तो मैं यहां पर इसीलिए लाइक मैंने चॉइस था पीजेड का यहां पर, बट एक बार यहां पीजेड चूज कर लिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी पीजेड को ही हाइब्रिडाइज करना पड़ेगा, कर दिया, तो पीजेड को हाइब्रिडाइज कर लिया, तो पी एक्स पी वाई एज इट इज रह गए, और यहां पे इनके ऑर्बिटल्स का भी आप नोटिस करो कैसा दिख रहा है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे पी एक्स पी वाई, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऐसे कैसे रह जाएंगे पी एक्स एंड पी वाई, एंड एस और पी जेड इंटरमिक्स होके कैसे बना देंगे, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अलोंग द जेड एक्सिस। नाउ अब आप नोटिस करो कि क्या होगा, ये दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कार्बन एटम है, ठीक है, अब ये आपस में बॉन्ड फॉर्म करते हुए दिख रहे हैं आपको, जो ये sp है ये आपस में सिग्मा बॉन्ड बना रहा है अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैप हो रहा है, then can you see the green and green one, the px and the px one, इनके बीच का lateral overlap दिख रहा है आपको, right, तो ये कैसा रहेगा, this will be pi px and you can see the red and red one, इनका भी lateral overlap हो रहा है, तो ये क्या form करेगा, एक और pi bond, तो आपको ये triple bond समझ में आया carbon carbon का, एक सिग्मा दो पाई, ये एक सिग्मा बना हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में और पाई किसने बनाया, पीएक्स पीएक्स और पीवाई पीवाई ने, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने, इज दिस क्लियर। अब हाइड्रोजन एटम्स भी इंट्रोड्यूस कर दो ताकि आपको पूरे मॉलिक्यूल का पर्सपेक्टिव मिल जाए, तो हाइड्रोजन एटम्स क्या कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं कार्बन के साथ में, कैसा आएगा, ये लेफ्ट से एक हाइड्रोजन एटम आया, उसने ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ में एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया, और ये राइट से एक हाइड्रोजन एटम आया, उसने राइट वाले कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ में सिग्मा बॉन्ड बना लिया, तो ये आपका पूरा मॉलिक्यूल समझ में आ गया, इसकी बॉन्डिंग, इसका शेप फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, इज दिस क्लियर, हाँ बोलो अर्शन
सर आपने बोला वो जो LHS और RHS, मैं LHS में हम चूज कर सकते हैं कि लाइक PX PY PZ में से कौन सा चाहिए, पर सर लाइक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो Z एक्सिस पे ही है ना, तो PZ ही देना पड़ेगा ना। हाँ मतलब इसीलिए क्योंकि मैंने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को जेड एक्सिस मान लिया है, तो मैं हमेशा यही करूँगा कि मैं अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मुझे सिग्मा बॉन्ड बनाना है, तो फिर मैं PZ रखूंगा। सर तो लाइक चॉइस किस में है वो LHS साइड में वो? जैसे आप यहाँ पे कर सकते थे, अगर आपको बोलना है कि नहीं मेरे को जेड एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस नहीं मानना है, ओके क्योंकि देखो जब तक डी ऑर्बिटल्स नहीं आ रहे हैं तब तक तो आपके पास में मतलब दिक्कत नहीं है, आप चॉइस ले सकते हो इंटर न्यूक्लियर हाँ एक्सिस, सर रेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ले सकते हो। ओके ओके। तो वाई समझते तो फिर दोनों में पी वाई हो जाता। हाँ ओके 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 सर, थैंक यू। राइट। सो ये समझ में आया आप लोगों है? आई एम गिविंग यू कपल ऑफ मिनट्स, ट्राई टू ड्रॉ बाय योरसेल्फ। ठीक है, जब तक खुद से ड्रॉ नहीं करोगे ना तब से इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होगी। सो आई नो कि यहाँ पर ऑलरेडी ड्रॉन था एंड मैंने बस उसके ऊपर एक्सप्लेन कर दिया आपको, बट आई वुड अप्रिशिएट इफ यू स्पेयर कपल ऑफ मिनट्स। मैं आपके साथ वैसे ही नोट शेयर करूंगा ही सही, बट आप एक बार डू सम ड्रॉइंग बाय योर सेल्फ, ट्राई टू गेट अ फील ऑफ सिग्मा एंड पाई ओवरलैप्स। ऑलराइट, ड्रॉ करा आप लोगों ने? हाँ नहीं मतलब मैंने एकदम चिपका नहीं दिए दोनों एटम्स, लाइक जस्ट वांटेड टू कीप इट नीट। ठीक है, अदरवाइज आइडियली आई शुड हैव शोन देम क्लोजर ताकि ओवरलैप दिखे, बट वो फिर टू मच
इन स्मॉल स्पेस हो जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को ये एसपी हाइब्रिडाइजेशन और इससे ओवरलैपिंग कैसे हो रही है? ग्रेट ग्रेट। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया है तो आप एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन पे भी अच्छे से समझ सकते हो। अच्छा, यहां से क्विक लर्निंग क्या निकल के आई है? ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड्स, राइट? प्योर पी आर गोइंग टू फॉर्म पाई बॉन्ड्स। व्हाई? बिकॉज ये मैंने ऊपर यहाँ पे डिस्कस किया था आपके साथ में, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर बेटर एट ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग डबल पी आएगा क्या? सिंगल पी रहेगा? ओवरलैपिंग आई थिंक सो सिंगल पी रहेगा। डबल पी आएगा? थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है। डबल पी आएगा, ऑलराइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन। एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? सो देयर इज वन एस एंड टू पी ऑर्बिटल्स, सो देयर इज वन एस एंड टू पी ऑर्बिटल्स, दे आर इंटरमिक्सिंग टू गिव थ्री एसपी टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, राइट? वन एस एंड टू पी ऑर्बिटल्स intermix to give 3 sp2 hybrid orbitals. इसका विजुअलाइजेशन कैसा रहेगा यहाँ पे नोटिस करना। से आपने s लिया, एक pz लिया और एक px लिया, तो यहाँ पर we have 3 sp2 hybrid orbitals. बड़ा लोग छोटा लोग, ये एक sp2 hybrid orbital हो गया, बड़ा लोग छोटा लोग एक दूसरा, बड़ा लोग छोटा लोग एक तीसरा, तीन sp2 hybrid orbitals रहेंगे। एंड ये तीन hybrid orbitals कैसे रहेंगे? दे विल बी प्रेजेंट इन विच प्लेन? बिकॉज यहाँ पर मैंने पी एक्स और पी जेड चूज किया है, दैट्स वाई दे विल बी इन द एग्जैक्ट प्लेन एंड दे वुड बी एट 120 डिग्री एंगल टू मिनिमाइज द रिपल्शन, राइट? हैड आई चूजन से पी जेड एंड पी वाई, तो फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कौन से प्लेन में रहते हैं? Correct. They would have been in the YZ plane, right? Because the characteristics do come in. And of course, in terms of the characteristics, 33% S character aayega and 67% P character aayega. In terms of energy, agar aapko dekhna hoga, to yahan par वैसे तो मैंने करा नहीं है draw, but अगर आप energy के perspective से देखोगे, राइट, एक एस और दो पी आपस में मिक्स हो रहे हैं, तो अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे ना, उनकी एनर्जी इट विल बी मोर क्लोजर टू पी देन एस, क्योंकि उनमें पी का कैरेक्टर ज्यादा आ गया है। ठीक है, मैं एंड में समरी में बताऊंगा इस चीजें, यहां पे मैंने ड्रॉ नहीं करा, बट बिकॉज पी कैरेक्टर इज मोर, तो इनका रिलेटिव एनर्जी विल बी क्लोजर टू पी एज कंपेयर टू एस। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग द एग्जांपल ऑफ इथीन। अच्छा, अगेन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वीएससीपीआर, व्हाट विल बी द शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल? VSEPR के पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपसे पूछूंगा,
हाँ मतलब नाम नहीं समझ में आ रहा होगा, बट एटलीस्ट स्ट्रक्चर तो दिख ही रहा है आपको, लाइक देयर इज नो पर्टिकुलर नेम फॉर इट, बट आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो इस कार्बन के ऊपर, लाइक इफ यू विल फोकस, तो ये कार्बन जो है ये भी SP2 हाइब्रिड है, नहीं सॉरी SP2 हाइब्रिड नहीं, अभी तो वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। आप इसके ऊपर काउंटिंग करोगे तो बॉन्ड पेयर 3 आ रहे हैं और लोन पेयर 0 है, राइट? तो ये ट्राइगोनल प्लेनर मैनर में अरेंज है। वैसे इस कार्बन के ऊपर फोकस करोगे तो इसके भी लोन पेयर 0 है एंड बॉन्ड पेयर 3 है, लाइक डबल बॉन्ड को सुपर सिंगल की तरह ट्रीट करना है, तो ये भी ट्राइगोनल प्लेनर में है। तो अब यहाँ पे नोटिस करना, मेरा आपसे क्वेश्चन क्या है, ठीक है? मेरा आपसे इसमें एक ये क्वेश्चन है कि ये कार्बन ट्राइगोनल प्लेनर है, ठीक है? तो ये तीन सेम प्लेन में हो गए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन एंड ये वाला कार्बन, है ना? ये तीनों सेम प्लेन में हो गए, से एग्जैक्ट प्लेन, मतलब आप ये मान के चलो कि ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है? तो ये एग्जैक्ट प्लेन में मान लिया मैंने। अच्छा, अब यहां पर जो कार्बन है उसकी भी जो हाइड्रोजन है सेम ही प्लेन में, मतलब ये भी सेम प्लेन में ही रहेंगे, राइट? दे विल ऑल्सो बी इन सेम प्लेन, बट नाउ आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन दैट वेदर दे विल बी ऑल्सो इन द एग्जैक्ट प्लेन और दे कैन बी इन द से वाई जेड प्लेन। इन दोनों में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दोनों में वी एस सी पी आर डिफरेंशिएट नहीं कर रहा है। आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन मतलब ये वाला शेप रहेगा जहां पे सब कुछ एक ही प्लेन में है, या फिर ये वाला जिसमें लाइक द हाइड्रोजन दे आर इन से वाई जेड प्लेन और ये वाले एग्जेड प्लेन में थे। यहां पर दोनों के दोनों एग्जेड प्लेन में ही है। नाउ हेयर बीबीटी इज गोइंग टू बी एबल टू गिव यू द करेक्ट आंसर, ठीक है? वी एस सी पी आर बिकम्स एम्बिगुअस ओवर हियर बिकॉज मैं वी एस सी पी आर से गेस नहीं कर पा रहा, बट बीबीटी विल गिव यू द करेक्ट आंसर। इन दोनों में से एक ही आंसर करेक्ट है। डू यू वॉन्ट टू थिंक फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ बीबीटी बिफोर गिविंग एन आंसर? नो, हाँ सही बोल रहे हो, सही है, करेक्ट है। बाकी लोग भी सोचो एक बार। हाँ करेक्ट सर्वेश, नई हृदय नई कृष्णा, हाँ राइट ईशान।
सो करेक्ट आंसर विल बी द फर्स्ट स्ट्रक्चर. हाँ नाउ अब आपको वीबीटी कैसे आंसर देगा वो अब आप नोटिस करो. ठीक है, ये वाला जो मैंने रब किया वो वाला करेक्ट स्ट्रक्चर रहेगा. ऑल द एटम्स विल बी इन द सेम प्लेन. जैसे अब नोटिस करना है यहां पर. सो लेट्स से इथिन में मैंने आपको ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे दिया दैट बोथ द कार्बन विल बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड. आपको ये नहीं पता था बट ये मैंने आपको बता दिया है कि इसमें दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं. नाउ गिवन बोथ द कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कैन वी एक्सप्लेन द बॉन्ड फॉर्मेशन एंड द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हियर. किस तरीके से आप नोटिस करना एक एक करके जाएंगे. सबसे पहले अगेन आई जूम इन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कार्बन फर्स्ट. सो लेफ्ट हैंड साइड कार्बन के लिए अगेन यहाँ पे चार बॉन्ड बनाना है इस कार्बन को, राइट, दो इस कार्बन इनके साथ में और दो हाइड्रोजन के साथ में. तो इसको एक्साइटेड स्टेट कॉन्फिगरेशन में दिखना पड़ेगा. अरे एक मिनट. हाँ तो ये एक्साइटेड स्टेट कॉन्फिगरेशन में आ गया. राइट नाउ नहीं नहीं चार बॉन्ड बनाना है ना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन फिर दो हाइड्रोजन के साथ में. ठीक है, नहीं नहीं सुपर सिंगल तो VSEPR था हर्षल, वो सिर्फ VSEPR में ही था, VBT में नहीं सोचना सुपर सिंगल. तो यहां पर अब आप नोटिस करो दैट चार अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. कैसे? एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन से. अच्छा नहीं, ये मैं कहां पर आ गया, तो C2H2 पे आ गया, सॉरी यहां पर. सो अब इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी है. राइट, सो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, एक s दो p के साथ में कंबाइन करेगा. कौन से p, क्या करना है, एनी टू पी ऑर्बिटल्स यू कैन चूज. बट अगेन क्योंकि मैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को जेड एक्सिस लिखना चाह रहा हूं तो मैं pz तो चूज कर ही रहा हूं. ठीक है, बाकी फिर px py में आपका चॉइस है. ठीक है, यहां पे एक क्रूशल है, कौन से दो p आपको हाइब्रिडाइज करने हैं. तो मैंने pz मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे ये याद आ रहा है ना कि कार्बन कार्बन का लाइक जेड एक्सिस के अलोंग दिस इज द जेड एक्सिस. राइट, सो जेड एक्सिस के अलोंग मुझे सिग्मा बॉन्ड बनाना रहेगा, तो इसके लिए मैंने एक तो जेड चूज कर लिया. अब दूसरा पी कौन सा है वो कंप्लीटली फ्री हो आप चूज करने के लिए, यू कैन आइदर चूज px और py. तो मैंने px चूज कर लिया. px चूज कर लिया तो फिर py प्योर रहेगा, है कि नहीं, ये समझ में आया कि नहीं आया, py प्योर रहेगा. ऑलराइट, तो अब वी हैव थ्री sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. राइट, ये किस प्लेन में रहेंगे, इन xz प्लेन, एंड वी विल हैव अ प्योर py. तो अगर अब मैं यहां पर इनका स्ट्रक्चर लाइक विजुअलाइजेशन देखना चाहूंगा तो ये विजुअलाइजेशन कैसा रहेगा, यहाँ पर आप नोटिस करना, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस मैंने जेड एक्सिस चूज किया हुआ है, वर्टिकल एक्सिस मैंने एक्स एक्सिस चूज किया हुआ है. राइट, तो ये अंदर बाहर वाला एक्सिस कौन सा हो जाएगा, वाई एक्सिस. तो यहाँ पर आप नोटिस करो कि एक तो pz ऑर्बिटल अलोंग द जेड एक्सिस, px ऑर्बिटल अलोंग द एक्स एक्सिस एंड s, इन तीन को जो मैंने ब्लू कलर से मार्क किया हुआ है इनको मैंने हाइब्रिडाइज कर दिया. राइट, इनको मैंने हाइब्रिडाइज कर दिया और मेरे ये यहाँ पर तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए. और ये कौन से प्लेन में आ गए, इन द एग्जैक्ट प्लेन. ठीक है, जो स्क्रीन का प्लेन है उसी के प्लेन में आ गए. समझ में आया, ये चीज स्ट्राइक हुई कि एग्जैक्ट प्लेन में रहेंगे. और जो py था, ये जो अंदर बाहर है वो एज इट इज py बन गया या रह गया.
इतना क्लियर है सबको ये विजुलाइजेशन? तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड कार्बन के लिए बताया। अब आप यही चीज देखना राइट हैंड साइड कार्बन के लिए भी करनी पड़ेगी। नाउ डू यू रिमेंबर द लोएस्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बन? कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, राइट? डबल बॉन्ड में क्या होगा, एक सिग्मा और एक पाई, है कि नहीं? करेक्ट। तो ये सिग्मा कौन बनाएगा? सिग्मा तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। पाई कौन बनाएगा? द प्योर पी। तो अगर पाई बॉन्ड बनाना है और इसका पीवाई है, तो फिर दूसरे वाले कार्बन का भी पीवाई ही प्योर रहना चाहिए, तभी तो लैटरल ओवरलैप हो पाएगा। समझ में आया? अगर ये लेफ्ट हैंड साइड कार्बन का पीवाई प्योर है, तो राइट हैंड साइड का भी पीवाई प्योर होना चाहिए, तभी लैटरल ओवरलैप होके पाई बॉन्ड बन पाएगा। सो दिस मींस दैट राइट हैंड साइड वाला जो कार्बन है, उसके लिए भी व्हाट वी विल से इज दैट पीवाई विल बी प्योर एंड पीएक्स एंड पीजेड विल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये जो राइट हैंड साइड वाला कार्बन है, इसके लिए भी हम लोग यही बोलेंगे। अब यहां पर चॉइस नहीं बची क्योंकि पीवाई यहां पर फिक्स हो गया कि इनके बीच में पाई बॉन्ड बनेगा ही सही। ठीक है, तो फिर हाइब्रिडाइज किसको होना पड़ेगा? पीएक्स और पीजेड को ही। ठीक है, एंड हेंस यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम पर्सपेक्टिव ऑल्सो दैट ये पीवाई पीवाई जो रेड में मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इनका लैटरल ओवरलैप हो जाएगा, यहां पर पाई बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच में, राइट? एंड जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनके बीच में सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा अलोंग द जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड कार्बन और राइट हैंड साइड कार्बन के बीच का बॉन्ड फॉर्मेशन दिख रहा है। अब मैं हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस कर देता हूं, राइट? हाइड्रोजन कहां पे आ जाएंगे? ये जो मेरे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ में ओवरलैप करेंगे, तो ये भी एग्जैक्ट प्लेन में है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और यहां पर भी एग्जैक्ट प्लेन में ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये मेरा पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कैसा हो गया? प्लेनर। ऑल द सिक्स एटम्स आर गोइंग टू लाई इन द सेम प्लेन, दैट इज द एग्जैक्ट प्लेन, जो ये स्क्रीन का प्लेन है, और पी वाई अंदर बाहर रहेंगे और उनके बीच में पाई ओवरलैप हो रहा होगा। समझ में आई? मतलब काइंड ऑफ कपल ऑफ मोर डायग्राम्स टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस बेटर, राइट? इसमें कैसा हो रहा है, ये सब हाइड्रोजन और कार्बन सेम ही प्लेन में है और वो पी वाई, देखिए सब एक ही प्लेन में है, ये पी वाई अलग से रहेंगे। ठीक है, let me zoom out. क्या क्या डाउट है इसमें पूछो। हाँ सही, हम क्या कह रहे हो आप? Why do we write separately for LHS carbon and RHS carbon? नहीं, वो तो मैं आपको explain कर रहा हूँ ना कि left hand side carbon और right hand side carbon के orbitals कौन से हैं जो आपस में overlap करके sigma और pi bonds बना रहे हैं, तभी तो आपको समझ में आ रहा है इसका shape कैसा रहेगा। ओके, सो हर्षल का डाउट है, इज इट पॉसिबल दैट द हाइड्रोजन कंबाइंस विद द पी वाई ऑर्बिटल? बट फिर पाई बॉन्ड कौन बनाएगा कार्बन कार्बन के बीच में? लाइक आपको ये लोएस्ट स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है ना हर्षल, राइट? तो इसमें ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, एक सिग्मा और एक पाई, राइट? ये आपको एक्सप्लेन करना है, तो वो कैसे एक्सप्लेन हो रहा है? इस तरीके से, अगर आप कार्बन के प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ में जो प्योर पी था उसके साथ में सिग्मा बना दोगे, तो आप देखो कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे, अटक जाओगे।
नहीं, ये छोटा फी ऑर्बिटल नहीं है कृष्णा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा होता है ना, बड़ा लोब छोटा लोब, तो ये एक एसपी टू हाइब्रिड ऑर्बिटल है, फिर ये दूसरा एसपी टू हाइब्रिड ऑर्बिटल है, फिर ये तीसरा, एक उल्टा इस तरफ कर देते हैं, ये दूसरा एसपी टू हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये तीसरा एसपी टू हाइब्रिड ऑर्बिटल है, बड़ा लोब छोटा लोब, समझ में आया कृष्णा? वीबीटी ने कैसे एक्सप्लेन किया इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आया? हाउ द बॉन्ड फॉर्मेशन एंड ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल इज हैपनिंग ओवर हियर? नहीं, मेरी नॉलेज में तो नहीं है ऐसा कोई वीडियो, बट आप ढूंढ सकते हो, आपको मिल सकता है कोई वीडियो इफ यू वांट टू चेक आउट व्हिच गिव्स दिस एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, एसपी टू कैसे पता चला वो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में सर्वेश, अभी ये गिवन है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बताऊंगा बाद में कि काउंटिंग कैसे करते हैं हम लोग एसपी टू एसपी एसपी थ्री, वो आई विल टेल यू। अभी पहले मैं हाइब्रिडाइजेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये वाला पार्ट समझ में आया दैट C2H4 विल बी अ प्लेनर मॉलिक्यूल, हाउ वीबीटी प्रूव्स दैट, ठीक है? और ये पाई बॉन्ड की वजह से क्या हो जाएगा, इंटरलॉकिंग हो जाएगा, लाइक ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पे रोटेशन हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर कोई रोटेशन नहीं हो सकता, ये सब एक ही प्लेन में रहेंगे। ठीक है, आप ट्राई करो ना सर्वेश, आप ट्राई करो, फिर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे बॉन्ड फॉर्मेशन, सी इफ यू कैन, इट्स अ गुड थॉट प्रोसेस दैट यू आर थिंकिंग इन। ऑलराइट, अब नेक्स्ट ऑब्जर्व करना एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन। सो एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? इट इज 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्सिंग टू गिव 4 एसपी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्सिंग टू गिव 4 एसपी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एंड इन दिस, अब आप नोटिस करना किस तरीके से रहेगा, एस और तीनों पी मिलकर 4 एसपी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेंगे। ये 4 एसपी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे हैं, सब ऐसे ही हैं, एक बड़ा लोब छोटा लोब, ये एक एसपी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है कृष्णा, इधर फोकस करना, ये एक एसपी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ऐसे ही 4 और रहेंगे, ठीक है? अब इन चारों को मैं कैसे अरेंज करूं ताकि इनके बीच के रिपल्शन मिनिमाइज हो जाए, समझ में आया? टेट्राहीड्रल मैनर में इनको, इनको डबल डंबल नहीं बोलूंगा मैं, एक्चुअली एक डंबल बड़ा है और दूसरा डंबल इज नेग्लिजिबली, मतलब छोटा है, तो वी वुडंट से आइडियली डबल डंबल हम लोग किसको बोले थे, इसमें दोनों लाइक सेम साइज के थे, ये हमारा प्योर पी एटॉमिक ऑर्बिटल रहेगा, ये मेरा हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल है, हाँ मतलब मैलनरिश डंबल, हैंडीकैप डंबल, डिफेक्टिव डंबल, जो बोलना है बोल लो,
हाँ बिल्कुल एकदम, वन बिग डम्बल वन फुस्की डम्बल। एनीवेज, सो यहाँ पर इनका अरेंजमेंट कैसा रहेगा? टू मिनिमाइज द रिपल्शन दे विल बी इन द टेट्राहेड्रल मैनर, राइट? 109 डिग्री 28 मिनट्स का एंगल रहेगा इनके बीच में, ठीक है। ईच sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल विल हैव 25% एस कैरेक्टर एंड 75% पी कैरेक्टर, ठीक है। अब हाँ, वैसा आप सोच सकते हो सर्वेश, बोलिंग पिंस जैसे। सही में यार, बोलिंग करेगा कितना जमाना हो गया, क्या याद दिला दिया सर्वेश तुमने। इट यूज्ड टू बी फन, ग्रुप में जाते थे, कितना मजा आता था। अरे सैड कर दिया यार तुमने सर्वेश, तो ऐसी चीजें मत याद दिलाओ यार। अब खुल गया क्या मॉल वॉल में ये सब बोलिंग एलीज वगैरह खुल गई है? अच्छा, ये कृष्णा ने सबसे पहले हाँ बोला, मतलब नालायक, पढ़ने लिखने में तो मन है नहीं इसका, तुम जाके यही करते हो सब। गुड गुड, चलो अच्छा है। कमिंग बैक, सो यहाँ पर ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। अब इनका एक्सप्लेनेशन आप नोटिस करना से यूजिंग एन एग्जांपल ऑफ इथेन। वैसे तो मैं मीथेन भी ले सकता था CH4, बट डेलिबरेटली आई टुक दिस एग्जाम्पल ऑफ इथेन जस्ट टू मेंटेन दैट सेम कंटिन्यूटी ऑफ एग्जाम्पल जैसा हम लोगों ने ऊपर ऑब्जर्व किया था। यहाँ पर आप नोटिस करना दैट बोथ कार्बन, ये गिवन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है वापस, ठीक है। ये गिवन है दैट बोथ कार्बन एटम्स हेयर आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, ये गिवन है। एंड नाउ दैट यू नो दिस, कैन यू एक्सप्लेन द बॉन्ड फॉर्मेशन इन C2H6? तो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा हो गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कार्बन आइटम दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो इसमें अब कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब आप px py pz लाइक सबको चूज करो, हाइब्रिडाइज करो। यहाँ पर भी तीन sp सॉरी चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यहाँ पे भी चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, राइट। और ये चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे दिखेंगे, इनका आप नोटिस करोगे तो ये प्योर अटोमिक ऑर्बिटल्स थे, ठीक है, और फिर ये हाइब्रिड अटोमिक ऑर्बिटल्स बन गए। यानी इनका टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, ठीक है। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है, राइट। ये मैंने स्क्रीन के प्लेन में रखा है और फिर ये ट्राईपॉड बना दिया है, तो ये भी एक स्क्रीन की प्लेन में मान लो, फिर एक ये अंदर जाता हुआ, राइट, और एक ये बाहर आता हुआ, इस तरीके से बनाया हुआ है सॉलिड वेज। ये बाहर आता हुआ है और एक डैश्ड वेज अंदर जाता हुआ है। ये समझ में आया? यहाँ पर भी मैंने ऐसा ही करा है, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल स्क्रीन की प्लेन में, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल भी स्क्रीन की प्लेन में, फिर एक ये बाहर आता हुआ, राइट, और एक ये अंदर जाता हुआ, ठीक है, थोड़ा 3D है, राइट। एंड ये जो जेड एक्सिस के अलोंग थे, इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा एंड बाकी सब जो है वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन होकर उनके साथ भी सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है। नहीं, आपको यहाँ पे इसलिए मैंने ऐसा रखा ना, ताकि सी आपको सिग्मा ओवरलैप करवाना है ना, सिंगल बॉन्ड बनाना है। यहाँ पे आपने लो स्ट्रक्चर से समझा कि यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा कार्बन कार्बन के बीच में इंटर न्यूक्लियर एक्सेस के अलॉन्ग, तो ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस तरीके से यहाँ पे लेके आना पड़ेगा ना, ताकि ओवरलैप हो सके, ठीक है, समझ में आया? एंड अब यहां पर आप नोटिस करोगे तो यहां पर इस कार्बन के अराउंड, मतलब इस यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड नहीं है ना, तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो लाइक रोटेशन पॉसिबल रहता है, ठीक है। फ्री
फ्री तो नहीं बोलूंगा बट इजी रोटेशन, आई शुड से इजी रोटेशन हो सकता है। ठीक है, तो इसमें इफ आई आस्क यू इज सी टू एच सिक्स अ प्लेनर मॉलिक्यूल, द आंसर इज डेफिनेटली नो, इट इज नॉट अ प्लेनर मॉलिक्यूल। इफ आई आस्क यू मैक्सिमम एटम्स दैट कैन बी, ठीक है, तो कैन बी आप बोल सकते हो कि चलो ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, चार एटम सेम प्लेन में रह सकते हैं मैक्सिमम, बाकी फिर एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, इस टाइप से रहेगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस sp3 हाइब्रिडाइजेशन? इसमें किसी कुछ डाउट है? एनीथिंग यू वांट टू आस्क एंड अंडरस्टैंड? तो एज इन मैं क्विक समराइज कर देता हूं, अभी हम लोगों ने ध्यान से नोटिस करना, sp sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन का डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, एंड इसमें आप नोटिस करोगे परसेंटेज एस कैरेक्टर पी कैरेक्टर कैसा रहेगा डिपेंडिंग अपॉन कैसा कंट्रीब्यूशन आ रहा है। एनर्जी के पर्सपेक्टिव से आप नोटिस करोगे sp sp2 sp3 में एनर्जी विल बी इन दिस इंक्रीजिंग मैनर, क्यों? क्योंकि पी कैरेक्टर बढ़ रहा है तो एनर्जी बढ़ जाएगा, तो साइज ऑफ लोब्स भी बढ़ जाएगा। ठीक है, जो ये बड़ा वाला लोब है, ठीक है, इसका साइज sp में वर्सेस sp2 में वर्सेस sp3 में ये बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्रेटर इज द p कैरेक्टर। ठीक है, समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा रहता है? मोर द s कैरेक्टर मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगी, मतलब sp हाइब्रिड से कोई एटम रहेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू sp2 एज कम्पेयर टू sp3, बिकॉज यहाँ पर द इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, दे विल बी मोर अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस एज कम्पेयर टू इन sp2 एज कम्पेयर टू sp3, जहाँ पे लोब्स का साइज बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो इतना समझ में आया आप लोगों को s एंड p ऑर्बिटल्स के हाइब्रिडाइजेशन? इज दिस क्लियर विद एवरीवन? अच्छा, नेक्स्ट क्लास में अब मैं d ऑर्बिटल्स के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करूंगा, बट इट्स अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक, सो वी विल स्टार्ट अबाउट दैट इन नेक्स्ट क्लास इटसेल्फ। ठीक है, एनी डाउट्स बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन दैट वी हैव स्टडीड टुडे? ऑलराइट, नहीं है, अच्छी बात है। डू रिमेंबर सैटरडे 7 PM टू 9 PM इज गोइंग टू बी अ रेगुलर लेक्चर, नॉट अ डाउट लेक्चर। ठीक है, चलो हाँ, क्या कह रहे हो सर्वेश? थर्ड राउंड के रिजल्ट्स आर आउट, कुछ वियर्ड हुआ है, क्या हो गया? हाँ, होमवर्क के डाउट्स भी, हाँ हाँ आपको पूछने तो पूछ लो, लाइक जो जो बुकलेट में आप लोगों ने क्वेश्चंस थे वो जैसे उसको पूछना है आप पूछ लो, अदरवाइज वो मिस हो जाएगा। कट ऑफ 0 दिया है, ये कैसे हो गया? कुछ तो वियर्ड है। नो सीट्स फॉर जनरल वाज अलॉटेड इन द थर्ड राउंड। अच्छा, बड़ा वियर्ड है तो। हाँ सर, हमें सीट्स अलॉट ही नहीं किए थर्ड राउंड में। मतलब राइट नाउ यू गाइस डोंट हैव अ कॉलेज विद यू? नहीं, अभी शायद 3 बजे कुछ मीटिंग है, उसमें कुछ बोलेंगे लगता है। हाँ, मतलब ये तो बहुत वियर्ड हो गया। मतलब कट ऑफ कुछ तो 79 था, वो तो क्रॉस किया लेकिन कुछ अलाउट ही नहीं किया था सीट। अच्छा,
लेट्स सी, बोलो सर्वेश। नहीं डोंट वरी, मतलब उसमें एक्चुअली लाइक इवन द एडमिन टीम इज लुकिंग इन टू, डेफिनेटली देर कुड हैव बीन सम स्क्रू अप। मैं भी समझता हूँ, मुझे भी एक्चुअली इसके बारे में अभी तुम लोगों से ही पता पड़ रहा है, ठीक है, बट डोंट वरी, दैट इज नथिंग टू बी केयर्ड अबाउट। हाँ बुला देते हो, नहीं तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, आ देते हैं। चलो ठीक है। हाँ तुम लोग डाउट्स पूछ रहे थे ना, कौन सा किसने डाउट पूछा था? VSEPR का 29 एंड 30। हाँ ठीक है, लेट मी डू द डाउट्स का डिस्कशन ओवर हेयर ओनली क्विकली, 10-15 मिनट में हो जाएंगे आपके डाउट्स भी। सो यू हैव 29 एंड 30, और इसके अलावा एनी अदर डाउट? 6 एंड 24, ओके और बता दो एनी अदर डाउट दैट यू माइट हैव। अच्छा 24 नहीं है, 23 है, ओके। देन कोवेलेंट बॉन्डिंग में 20, ओके ठीक है, देख लेते हैं क्विकली। तो सबसे पहले VSEPR का 6th क्वेश्चन, इसमें यू सेइंग दैट XY2 कंटेन्स 2 sigma and 2 pi bonds एंड 1 lone pair, राइट? सो एक्स एंड वाई टू है, मतलब सिग्मा सिग्मा देन पाई एंड पाई, स्टैंड अलोन पाई तो रहेगा नहीं, एंड एक लोन पेयर, राइट? तो अभी यहाँ पर अब आप देखोगे फ्रॉम VSEPR परस्पेक्टिव, तो लोन पेयर 1 है एंड बॉन्ड पेयर 2 है ना, सुपर सिंगल की तरह ट्रीट करना है, राइट? तो इसमें अब जो अरेंजमेंट ऑफ लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर बोला है, ठीक है, यहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट बोला है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल नहीं पूछा है, इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट पूछा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट तो क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। हाँ अगर शेप आपसे पूछ लेते मॉलिक्यूल का तो आंसर वुड हैव बीन बेंट और वी शेप, ठीक है। देन 23rd, यहाँ पर C2H2, ये तो आज हमने डिस्कस किया ना, लाइक C2H2 में इसका लीनियर शेप रहेगा, राइट? ये लीनियर है एंड इसमें जस्ट एक यही लीनियर रहेगा CO2, ठीक है, बाकी केसेस में इट विल बी वियर्ड, ओनली वी शेप रहेगा, ये वी शेप रहेगा, ये भी वी शेप रहेगा, इसका थोड़ा सा अलग ही स्ट्रक्चर रहता है, मतलब राइट, ये कुछ इस तरीके का से ओपन बुक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है। लोन पेयर वगैरह रहेंगे इसमें, ठीक है। नहीं, ट्रांस ट्रांस नहीं बोलते, बट हाँ इट्स अ ओपन बुक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं वो, आप देखोगे बाद में, मतलब
यू विल अंडरस्टैंड. ओके देन 29 and 30. सो ओके व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलर ज्योमेट्री ओवर हेयर लॉ. यहाँ पे आप नोटिस करो दैट रेगुलर ज्योमेट्री मतलब दैट आइडियल बॉन्ड एंगल्स आर देयर, राइट? आइडियल बॉन्ड एंगल्स लाइक व्हाट वर द आइडियल बॉन्ड एंगल्स? 90 degree, 120 degree, 180 degree, राइट, 109 degree, 28 minutes, राइट? ये हमारे आइडियल बॉन्ड एंगल्स थे. अब यहाँ पर अब एक्चुअली ऐसा हो रहा है दैट इन केस ऑफ CH4, ठीक है, यहीं पर रेगुलर ज्योमेट्री मिल पा रही है. यहाँ पर SF4 में कैसा हो जाएगा? लोन पेयर प्रेजेंट होगा. CHCl3 में कैसा रहेगा? बिकॉज डिफरेंट टर्मिनल एटम्स हैं, राइट, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टॉर्शन तो आएगा इसी. लाइक आइडियल ऐसे CHCl3 में 109 degree के एंगल्स नहीं बचेंगे, थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा. तो इट इज ओनली CH4 जिसमें आई विल हैव अ रेगुलर ज्योमेट्री, ठीक है. देन 30th वाला, हाँ 30th वाला थोड़ा सा लाइक एक तरीके से मान लो ट्रिकी क्वेश्चन है. इसमें लाइक दो आंसर्स पॉसिबल हैं एक्चुअली. यहां पर आपको बोला जा रहा है देखो 6 pairs of electrons, ठीक है, 6 pairs of electrons मतलब लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर 6 दिए हुए हैं, ठीक है. अब अगर लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर 6 दिए हुए हैं, राइट, एंड आप उसके हिसाब से अब यहाँ पे कमेंट करना चाहोगे दैट लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर 6 दिए हुए हैं, तो व्हाट आर द कॉम्बिनेशंस एंड अकॉर्डिंगली व्हाट विल बी द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर 0 लोन पेयर और 6 बॉन्ड पेयर हो गया तो इसका मतलब 12 वैलेंस, नहीं नहीं एक्चुअली 6 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. तो यहां पर ये पॉसिबल है समथिंग लाइक इन द केस ऑफ एग्जांपल ऑफ SF6, ठीक है. बट SF6 का स्ट्रक्चर प्लेनर तो नहीं होगा, तो ये नॉन प्लेनर रहेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं रहेगा, ठीक है. यहाँ पे जैसे ये ऑप्शन बाय ऑप्शन चला गया, मैं एक्स का वैल्यू 2 ले लिया, ये ए ऑप्शन वेट कर लिया मैंने. फिर सेकंड ऑप्शन, इसमें एक्स का वैल्यू 2 का मतलब क्या हो गया? 2 बॉन्ड पेयर और 4 लोन पेयर, राइट, तो इसका मतलब 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नहीं 8 भी नहीं, 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है, 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ तो ये भी करेक्ट नहीं रहेगा. 4 लोन पेयर मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स और 2 बॉन्ड पेयर है तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो लेके आएगा ना, तो इसका तो मुझे एग्जाम्पल ही नहीं स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है. थर्ड ऑप्शन बेट करो यहाँ पर, एक्स की वैल्यू 4 मतलब 4 बॉन्ड पेयर मतलब 2 लोन पेयर, तो 2 into 2, 4 plus 4, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट. सो दिस का एग्जाम्पल विल बी समथिंग लाइक XeF4. नाउ XeF4 इफ यू रिमेम्बर इसका स्ट्रक्चर आपको याद आएगा तो यस दिस वाज अ प्लेनर मॉलिक्यूल, ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन बैठ जाएगा. अब डी ऑप्शन में यू माइट कम अप एंड से कि ओके 3 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर,
मतलब 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. बट इफ यू थिंक ऑफ SO3 तो यहाँ पर ये आंसर बैठ जाता है. डबल बॉन्ड्स अगर मैं सोचना शुरू करूंगा तो इसमें ये लास्ट ऑप्शन भी मेरा एक आंसर हो सकता है. ठीक है, सिंगल बॉन्ड्स के पर्सपेक्टिव से सोचूंगा तो ठीक है. नहीं नहीं कृष्णा, वो VACPR का एक्सेप्शन तो XeF6 था. ये एक मेरा इसमें फोर्थ ऑप्शन जरूर मेरा एक आंसर हो सकता है. समवन वुड हैव थॉट ऑफ SO3 एज एन एग्जांपल. वो इतना एविडेंटली तो स्ट्राइक नहीं होता, अगर एकदम ऐसे स्टेप बाय स्टेप मैनर में सोचोगे तो ठीक है, फिर एक सी ऑप्शन ही आंसर लगता है. बट अचानक से अगर ये स्ट्राइक हो जाता है कि अरे SO3 भी हो सकता था यहाँ पर, तो फिर आपके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है. ठीक है, ऑल राइट. नाउ नहीं, यहाँ पर आयन नहीं है ना श्रव्या, लाइक इट इज नॉट गिवन एज एन आयन. आपने सोचा ठीक है NO3 - आयन, बट NO3 - आयन में आप नोटिस करोगे तो डबल बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, माइनस. तो यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर, दो बॉन्ड पेयर और ये, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो भी चार ही आ पाए, 1, 2, 3, 4. यहाँ पर 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोला था. ठीक, तो आपने सोचा उस ऑप्शन के बारे में ठीक है, बट इट इज नॉट फिटिंग इन टू दिस केस. ठीक है, ऑल राइट. देन एक कोवलेंट का 20, कोवलेंट का 20 ये तो आज समझ में आएगा ना हाइब्रिडाइजेशन के. नहीं, अच्छा अच्छा सॉरी, कोवलेंट का 20 NH3 BF3 वाला, ये इसमें तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है ना, ये अपन ने एग्जांपल देखा भी था व्हाइल प्रैक्टिसिंग डेटिव बॉन्डिंग. इसमें इसका लोन पेयर और इसका वेकेंट ऑर्बिटल है, तो उसके साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है, डेटिव बॉन्ड बनाता है ना. ठीक है, ऑल राइट. इसके अलावा एनी अदर बुकलेट डाउट? एडक्ट मतलब वो जस्ट एडिशन से बन रहा है, इट्स जस्ट अ नेम गिवन टू सच काइंड ऑफ कंपाउंड्स. दोनों को एडिशन करके ही बना रहे हैं और एक बॉन्ड बन गया. ऑल राइट, और कोई डाउट है? Anything else you would want to understand? All right then. मैं इस पर बेस्ड होमवर्क आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा. थैंक यू गाइस, टेक केयर. हाँ, कुछ पूछना है भाभी तुम्हें? मैंने हैंड रेज किया हुआ है. सर, सिमिलर ज्योमेट्री मतलब क्या? सेम अरेंजमेंट ना? सेम शेप. अच्छा, तो फिर सर आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब भी वही हुआ? हाँ वही हुआ. ठीक है सर, थैंक यू. चलो, ऑल राइट गाइस, टेक केयर, बाय बाय.